सेल जिसका ईएमएफ या विद्युत वाहक बल हमें मापना हो तो हम कैसे माप सकते हैं? क्या हम उसमें एक वोल्ट मीटर, जैसे हमने पहले देखा था, क्या वोल्ट मीटर लगाकर उसके सिरों के मध्य हम उसका विद्युत वाहक बल माप सकते हैं? लेकिन सर शायद वो हमें विद्युत वाहक बल नहीं देगा, वो हमें विभवांतर देगा जिसमें आंतरिक प्रतिरोध के सापेक्ष जो विभव पतन हुआ है वो भी लिखा होगा या वो भी उसके अंदर आए। तो हम उसे कैसे बच सकते हैं या किस तरीके से हम एग्जैक्ट उसमें कितना विद्युत वाहक बल है निकाल सकते हैं, यही सब कुछ आज की क्लास में जानेंगे बेटा। और यह होता है एक विभव मापी के द्वारा। तो विभव मापी क्या होता है, विभव मापी से हम कैसे गणना कर सकते हैं, यह सब कुछ आज की कक्षा में हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे इसके अलावा, मतलब हमने इस चैप्टर को काफी ज्यादा डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कुछ गत वर्षों के जो सवाल है वो सवाल कैसे आए, वो प्रश्न कैसे आए और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें जुड़ी हुई है, वो सब कुछ आज की कक्षा में मेरे यानी आपके अपने शुभम पालीवाल के साथ हम जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का बेटा डाउटनेट में भौतिक विज्ञान की क्लास में। विद्युत धारा हम पढ़ रहे थे, आज हमारी आखिरी क्लास इस चैप्टर की जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विभव माप। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देख लिया, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले देखा था कि विद्युत धारा और धारा घनत्व क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, साथ ही साथ प्रतिरोध, प्रतिरोध का संयोजन, किरचॉफ का नियम, सेल, सेल का संयोजन, ऊष्मन, मापन युक्तियां, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। मापन युक्तियों में ही हमारा जो आखिरी टॉपिक होता है उसे हम बोलते हैं विभव मापी। क्या कहते हैं? विभव मापी। अब विभव मापी क्या होता है ये हम समझना शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में मापन युक्तियां, मापन युक्तियों में ही एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं विभव मापी। और साथ ही साथ आज महत्वपूर्ण उदाहरण भी करेंगे हम, जिसमें हम मेनली बात करेंगे पी वाई क्यूज की, है ना, मतलब गत वर्षों के सवालों पर चर्चा होंगी। पी वाई क्यूज आज की क्लास में हम करने वाले। क्लियर है बेटा? चलिए, तो बिना समय खराब किए, हाँ भाई आवाज आवाज आ रही है सबको, ठीक है, तो बिना समय खराब किए हम क्लास की शुरुआत करते। हम यह समझेंगे कि आज की क्लास में यह हमारे पास मापन युक्तियों में विभव मापी क्या होता है। तो आप मेरे सामने जैसे देख सकते हैं, ये क्या एक पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर, या हम इसे क्या कहते हैं, विभव मापी, विभव मापी, या हम इसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। अब ये क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है या विभव मापी क्या होता है, यह हम समझना शुरू करते हैं। देखो ये कैसे बनता है वो भी समझना होगा, और क्या है, क्यों है, ये भी सब कुछ समझना होगा। तो थोड़ा डिटेल में से देखो, ये अगर एक बार समझ में आ गया ना, इसके सवाल भले ही बहुत बड़े बड़े दिखते लेकिन होते बहुत आसान से, और ये इंपॉर्टेंट है यार, है ना, मतलब हर दूसरे साल इस पे एक सवाल आ ही जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कुछ गिटार जैसा है ना, गिटार जैसा, यहाँ पे ये तार लगे हुए, देखो ये तार लगा हुआ है, ये तार ऐसे गोल घूम घूम के यहाँ पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम घूम तार आया, यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है। तो ये जो आपके सामने यहाँ पर ये जो तार सा लगा हुआ है, ये तार, ये बैटरी और एक रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट जो होता है वह एक जो प्रतिरोध है उसको बदलने के काम आता है ना, मतलब प्रतिरोध को आप कम ज्यादा कर सकते हो रियो स्टेट की मदद से। तो ये अल्टीमेटली ये यहाँ पे रियो स्टेट लगा हुआ है। ये रियो स्टेट अगर आप वास्तविकता में देखेंगे तो आपने अभी के लैब वैब में देखा हो तो इस प्रकार का ऐसा रहता है, और उसके से दो पांव से होते हैं जिस पर ये टिका हुआ होता है, और यहाँ पर एक पट्टा सा, जैसा आप ये देखेंगे यहाँ पे एक पट्टा सा है ना, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये तो यहाँ पे पट्टा सा रहता है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं तो आपको बेहतर तरीके से यह समझ में आएगा। देखिए यह आपको और बेहतर रूप से दिख रहा है, ये एक रियो स्टेट है ना, तो इसमें क्या है, देखो ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा होगा, ये एक पट्टा है जो इसके ऊपर है, ये तार के ऊपर हिल सकता है, और ये क्या है, इसमें बहुत सारे बहुत पास 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 ऐसे तार बंधे हुए होते हैं। तो अब क्या होता है इसके अंदर बेटा, अगर आपने ना, अगर यहां पर आपने धारा इसमें से प्रवाहित करवाना चाहे तो धारा देखो क्या होगा, ये तार में से घूमेगी 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 घूमेगी, बहुत सारे तारों में से घूमेगी, और अल्टीमेटली यहां से ये पट्टा है उसमें से निकलकर ये तार में से निकलकर इधर चले जाएगी, ठीक है। अब अगर आपने इसको एकदम पास कर दिया, इस पट्टे को लेकर आप यहां पर आ गए, यहां पर लेकर आ गए तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि धारा घूमेगी यहां से घूम घूम के यहां से निकल के पूरी बाहर चली जाएगी। अगर आपने इसी पट्टे को एकदम कोने में ले गए तो धारा यहां से घूमेगी 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 यहां तक पहुंचेगी फिर बाहर निकलेगी, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम अगर मान के चलो मैं कोई एक ऐसा प्रतिरोध, एक ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए
जिसका मैं प्रतिरोध कम ज्यादा कर सकता हूं, तो उसको हम आरएच या रियोस्टेट से चिन्हित करते हैं। ठीक है, अच्छा सर, अब हमारे पास ये जो आपको सामने दिख रहा है ये प्राइमरी सर्किट या प्राथमिक, यहां पर हम इसे प्राइमरी या प्राथमिक परिपथ कहते हैं, प्राथमिक परिपथ। तो प्राइमरी सर्किट या प्राथमिक परिपथ क्या है, ये हमारा जो पूरा पोटेंशियोमीटर है, पूरा मिलकर पोटेंशियोमीटर कहलाता है। तो यहां पर ये पोटेंशियोमीटर वायर है, तो ये वायर से हमने एक बैटरी जोड़ी है, एक के स्विच है हमारे पास, एक स्विच है और एक रियोस्टेट है। ठीक है, रियोस्टेट केवल ये देखने के लिए कि यहां पर ये ए और बी के सिरों पर के मध्य जो विभ्रांतर आ रहा है वो कितना, वो कम ज्यादा जो है हम इसमें रियोस्टेट का मान या रियोस्टेट का प्रतिरोध कम ज्यादा करके कर सकते हैं। क्लियर, तो इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो है यह एक हमारे पास यह वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। ये जो हमारा मीटर ब्रिज होता है, मीटर ब्रिज उसमें भी यह ऐसा ही होता है, मीटर ब्रिज में भी इसी प्रकार का कुछ होता है। ठीक है, इसी प्रकार का जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में, किसी तार जो है कि गिटार जैसे रहते, तो ये भी वो गिटार जैसे रियोस्टेट में रहते हैं। ठीक है मामला, अच्छा तो ये कुछ आप ऐसा समझ सकते हो ऐसा। और इसके ऊपर ये देखो, ये कल मैं आपको पिछली क्लास में बताता ना, एक जॉकी होती है, तो ये वही वाली की है जो आप इसको इसमें ऐसा आगे पीछे मूव कर कहां पर रीडिंग आ रही है वो पता कर सकते हैं। अब वो रीडिंग क्या पता करने है वो सब हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है, जो प्राथमिक सर्किट बना हुआ है, इसको हम आपको ऐसा बनाकर बताते, जो ये तो फोटो था ना, लेकिन वास्तविकता में हम पेपर पे कैसे बनाएंगे। तो पेपर पे कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर हम यहाँ पे बनाएंगे एक बैटरी। ठीक है, ये बैटरी का ईएमएफ ई होगा, हो सकता है इस बैटरी का कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी हो स्मॉल आर, ये जो बैटरी होगी इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी होगा स्मॉल आर। इसके साथ ही साथ यहां पर हम लगाएंगे एक रियोस्टेट आर एच, है ना, तो ये इसको ऐसे चिन्हित करते प्रतिरोध के ऊपर से एरो बना दिया, रियोस्टेट बन गया। ठीक है, अब यहां से ये जो तार आए हैं, ये जो तार है जैसे इसमें ऊपर की तरफ बना हुआ, मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ बना रहा हूं तो हमें ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। तो ये जो तार है, ये तार यहां पर क्या होते हैं बेटा, यहां पर यह एक पोटेंशियोमीटर तार के सिरों पर लगे हुए होते हैं, है ना, कहां लगे होते हैं, एक पोटेंशियोमीटर के तार के सिरों पर लगे होते हैं। ठीक है, अब ये पोटेंशियोमीटर का तार हम ऐसा बनाएंगे, हाँ बिल्कुल, हम हर बार ऐसा ही बनाएंगे पोटेंशियोमीटर का तार। हमने जो पीछे बनाया हुआ है वो क्या है, वो तो एक्चुअली फोटो है, वास्तविकता ऐसे करके तार घुमाकर ऊपर लाए, लेकिन हम उसको फोटो में ऐसा नहीं बनाएंगे। फोटो में जब भी हम बनाएंगे तो उसको हम इस तरीके से यहां पर एक मोटे तार के रूप में चिन्हित कर देंगे। ठीक है, हम इसका कलर भी बदल देते हैं यहां पर, तो यह एक मोटे तार के रूप में हमने इसे चिन्हित कर दिया। ठीक है, अब ये जो मोटा तार है, इस तार पे ही सारा खेल है ना, इस तार पर ही हमारे आगे की पूरी गणना है और यही हमें समझना है। तो क्या क्या समझना है वो सब कुछ मैं आपको बताना शुरू करता हूं। देखो, मैं इसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ ये सब कुछ लिखा हुआ है जो भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसके बाद में हम इसमें और भी बहुत सारी बातें सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो सब कुछ लिखा हुआ है सुनना है आपको सबसे पहले ध्यान से। तो देखो, यहां पर ये ई है, ये स्मॉल आर, ये आर एच है, ये बिंदु मान के चलो ए है, ये बिंदु मान के चलो बी है। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात क्या है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है कि यहाँ पर ए और बी के सिरों के मध्य विभ्रांतर कितना आ रहा है। मुझे निकालना है वी ए बी, तो ये खुद भी तार होगा, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो इस तार का जो प्रतिरोध होगा उसको हमने अगर मान के चलो कैपिटल आर बोल दिया, कैपिटल आर, कैपिटल आर परिपथ का प्रतिरोध का, कैपिटल आर प्रतिरोध का तार ए बी। ठीक है, कौन सा तार है, ए बी तार है। ठीक है, तो यहां पर ये तार ए बी है, तो हम इसे लिख सकते हैं, यहां पर इसका प्रतिरोध कैपिटल आर बोल दिया। अब अगर इसके मध्य विभ्रांतर प्राप्त करना, तो क्या लिखेंगे, तार ए बी का विभ्रांतर, इसके सिरों के मध्य विभ्रांतर पता करना है, इसे हम बोल देते हैं वी ए बी नाम दे देते हैं। विभ्रांतर का नाम क्या दे देंगे, वी ए बी बोल देंगे। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आगे की सारी गणना होगी। अब ये बताओ यार, पहले प्राइमरी सर्किट समझना होगा हमें ना, ये प्राइमरी सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट है। अब ये बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं
कि आप मुझे यहाँ पर VAB मान निकाल के बताओ, तो क्या बता सकते हो? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका अगर मुझे प्रतिरोध पता है, यहाँ पे EMF पता, तो इसमें धारा निकालूंगा। सारा सबको श्रेणी में लगा हुआ, सबको श्रेणी में लगा हुआ, तो धारा निकालकर इसके मध्य विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। अभी मैंने ये भी नहीं समझा कि ये बना क्यों रहा हूं मैं, वैसे थोड़ी हिंट दे दी थी मैंने आपको, लेकिन ये बना क्या उसके ऊपर हमें थोड़ी सी चर्चा करना। अब इसमें आगे बढ़े हम, सब कुछ समझो, उससे पहले एक और पद पढ़ना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, प्रवणता मैंने आपको समझाया था क्या होता है, बटे में लंबाई। तो ये होगा, इसे हम देखो कहीं पर इसे K से चिन्हित किया जाता है, K से, या कहीं पर phi से चिन्हित किया जाता है। ये होगा VAB बटे में लंबाई L। अच्छा, ये क्या पद बन गया सर? देखो क्या होगा बेटा, यहां पर ये जो तार है A से B तक, इस तार में हर एक बिंदु, देखो ये पूरे का प्रतिरोध R है, तो मैं हर एक एक सेंटीमीटर पर देखूं, हर एक एक सेंटीमीटर पर, हर एक एक सेंटीमीटर पर, हर एक एक सेंटीमीटर पर विभव कितना बढ़ता जा रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा? विभव प्रवणता से। तो विभव प्रवणता होगा VAB बटे में लंबाई। क्या हो जाएगा? VAB बटे में लंबाई, जिसे हम विभव प्रवणता नाम देंगे। क्लियर है कहानी? अच्छा सर, VAB बटे में लंबाई हो गया, ओके। तो ये विभव प्रवणता, अच्छा विभव प्रवणता का मात्रक वगैरह निकाल सकते हो? मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र जैसा होता है, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र नहीं है, विभव प्रवणता है, है ना? तो VAB बटे में लंबाई। अब ये क्या क्यों पता कर गया? ये क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि इकाई लंबाई, अगर मान के चलो मैं यहां से यहां तक गया, तो हर एक इकाई लंबाई में कितना कितना विभवांतर आएगा, क्या आएगा, कितना विभवांतर आएगा, ये कितना विभव में अंतर आ जाएगा। मतलब एक तरीके से मैं ये पता कर सकता हूं कि मान के चलो मैंने यहां पर से यहां तक की बात करी, तो यहां से यहां तक विभव कितना है ये पता कर सकता हूं। मान के चलो मैंने बोल दिया कि ये लंबाई जो होगी, अच्छा इसकी लंबाई कैपिटल एल बोल देते यार हम, है ना, इसकी पूरे की लंबाई कैपिटल एल बोल देते, यहां पे लिख लो आर प्रतिरोध, कैपिटल एल लंबाई, कैपिटल एल लंबाई और आर प्रतिरोध का तार है। तो यहां से यहां तक के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये क्या बोल देंगे? हम बोलेंगे यहां पर विभवांतर। तो यार मुझे ये पता है कि यहां से यहां तक में विभवांतर VAB भी है, इकाई लंबाई में विभवांतर VAB बटे में L हो गया, इसको हमने phi बोल दिया। तो मेरे को हर एक मीटर मीटर में कितना विभवांतर रहा, मान के चलो यहां पे विभवांतर आ रहा है आधा वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? आधा वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। एग्जांपल एग्जांपल phi का मान जो है वो आधा वोल्ट प्रति सेंटीमीटर आ गया है। तो अगर आधा वोल्ट प्रति सेंटीमीटर आ गया है, तो यहां पर अगर मान के चलो लंबाई आई है 2 सेंटीमीटर, तो V या विभव कितना आ गया? यहां से यहां तक का विभव क्या आ गया? ये लिख सकता हूं मैं सर 0.5 × 2 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी बोल रहा हूं? 2 सेंटीमीटर बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर कितना आ गया? ये आ गया सर 1 वोल्ट। मतलब मैं बता सकता हूं कि इस सिरे और इस बिंदु के मध्य विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट है। विभव पतन कितना हुआ है? 1 वोल्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा ये प्राथमिक सर्किट मैंने पूरा समझा दिया आपको, इसमें क्वेश्चन करेंगे और तब बातें चमकेगी। ठीक है, अब सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, कहां से आया है, कहां को जाएगा, ये सब पता करना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, एक्चुअल में हमारे पास जो वोल्ट मीटर था, हमारे पास जो वोल्ट मीटर था, तो वोल्ट मीटर क्या गड़बड़ करता है? अगर मान के चलो मेरे पास एक सेल है, ये सेल है, ये सेल के पास खुद का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध तो मैं नहीं हटा सकता, ये तो इसके अंदर घुसा हुआ है, उसका विद्युत वाहक बल E है। अब अगर मैं चाहता हूं, कि इसके सिरों पर मैं क्या पता करूं, मैं चाहता हूं इसके सिरों पर, इसके सिरों पर मैं पता करूं क्या, इसके सिरों पर मैं पता करूं विभवांतर, तो कैसे पता कर सकता हूं मैं, या इसका विद्युत वाहक बल? तो विभवांतर पता करने के लिए मान के चलो मैंने इसमें सीधे इसके सिरों के मध्य लगा दिया वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर में क्या होगा? देखो यहां से धारा जाएगी, वोल्टमीटर में से जाएगी, और ऐसे तो ये यहां पर परिपथ बनेगा। या अगर ये मेरे को ऐसा नहीं अच्छा लगता है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि यहां पर एक सेल था, उसका आंतरिक प्रतिरोध था, यहाँ पे कैपिटल आर प्रतिरोध लगा दिया और इसके सापेक्ष मैंने एक वोल्टमीटर लगा दिया। तो वोल्टमीटर जो मापन देगा वो ई माइनस आई आर देगा। वोल्टमीटर जो मापन देगा वो ई माइनस आई आर देगा।
तो अब अगर ये E माइनस आई आर दे रहा है लेकिन मुझे E का मान चाहिए, अब धारा भी नहीं पता। अच्छा सर धारा तो निकाल लेंगे लेकिन R तो पता ही नहीं है, फिर भी आंतरिक प्रतिरोध कैसे पता करोगे? तुमको E का मान नहीं मिल सकता कभी भी वोल्ट मीटर से, ठीक है? कि वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें से धारा जाती है, धारा उसमें से बहती है और फिर वो मान देता है, भले ही बहुत कम धारा जाएगी लेकिन थोड़ी सी धारा जाएगी तभी वो मान दे पाएगा। अगर मेरे को ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें से धारा ही ना जाए, जैसे अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पे एक सेल था मेरा और उसका एक आंतरिक प्रतिरोध था, ये ई था। अब अगर ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें से धारा, इसमें से धारा ही नहीं भेजे, इसमें से आई का मान शून्य कर दे और इसके सिरों के मध्य मुझे विभवांतर पता चले, क्या हो, धारा ना हो लेकिन इसके सिरों के मध्य मुझे क्या पता चल जाए, विभवांतर वी, तो यहां पर वी जो होगा वो ई के बराबर होगा। बोलो हाँ ना? हाँ सर। अगर ऐसा हो जाए कि धारा ना जाए, धारा शून्य हो जाए, तो जो विभवांतर आएगा वह हमारे ईएमएफ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा ईएमएफ के? क्योंकि यहां से कोई धारा नहीं जा रही, इसमें से अगर धारा नहीं जाएगी तो ये सेल कोई भी विभवांतर देने वाला नहीं है। वी बराबर आई आर करोगे तो आई का मान शून्य हो गया। तो ऐसा कुछ अगर मिल जाए हमें जिंदगी में तो हम ई का मान आसानी से निकाल पाए। तो वही काम क्या होता है, वोल्ट मीटर करके देता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ना, ये विभव मापी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यहां पर अगर वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होगा कुछ ना कुछ, और अर्थात यह हमेशा परिपथ से धारा ग्रहण करता है। इस समस्या के समाधान हेतु विभव मापी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि संतुलन की स्थिति में, अब ये संतुलन की स्थिति क्या होती है वगैरह सब कुछ हम पता करने वाले हैं, ठीक है? यह किस सिद्धांत पर प्राप्त कार्य करता है? अज्ञात विभवांतर को किसी ज्ञात विभवांतर से संतुलित किया कराया जाता है, यह शून्य विक्षेपण विधि कहलाती है, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पे जो तार है वो तार जो है मैंगनीन, टंगस्टन, यूरेका आदि मिश्र धातु से ही बनता है। ये वाला जो तार है यह थोड़ा महंगा होता है, नॉर्मल तार नहीं, मैंगनीन टंगस्टन वगैरह से बनता है। क्यों? क्योंकि तापमान बदलने पर इनका प्रतिरोध नहीं बदलना चाहिए। चलिए, तो अब तो ये हमें बात समझ में आ गई सर। अब ये कार्य कैसे करता है ये समझना होगा, है ना? तो देखो क्या करते हैं यहाँ पर, एकदम आसान से, इसमें इसका कार्य कोई ऐसी बहुत भयंकर रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान सी बात है कि यहां पर अगर मैंने बोला ये इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा, कुछ बाह्य प्रतिरोध लगाऊं ना लगाऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन कार्यक्रम क्या है, यहां पर लगा हुआ होना चाहिए एक पोटेंशियोमीटर वायर, है ना? तो ये पोटेंशियोमीटर वायर लगाएंगे। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो क्या करता है सर, यहां से पोटेंशियोमीटर वायर मैंने लगा दिया, मैं चुटकुल सा पोटेंशियोमीटर वायर। अब हम क्या करेंगे, देखो मान के चलो, अभी आसान बनाने के लिए मैंने आपको बोला कि यहां पर विभव जो है ये पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो, इसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा, या इसका भी कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, आपको कुल मिला के यहां पर एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल, सॉरी इसका वोल्टता वी दी है, बैटरी है अपनी अकेली बैटरी जो नॉर्मल बैटरी होती है उसका आपको सब कुछ पता है, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। आपको एक अज्ञात सेल है ना, जैसे अगर मान के चलो मेरे को किसी ने एक सेल दे दिया, है ना, मेरे को यहाँ पे एक सेल दिया, मैं सेल लिया तो ओहो सेल आ गया। अब किसी ने मुझे बोला कि देखो ये सेल जो है वो 1.5 वोल्ट का सेल है लेकिन इसका ईएमएफ कितना है ये पता करके बताओ, तो ईएमएफ ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, तो कैसे पता कर सकता हूं, है ना? देखो तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास अज्ञात सेल है, देखो इसके दो परिपथ होंगे, ये प्राथमिक परिपथ होगा। अच्छा मैं ये पूछा बोल रहा था तुम्हें कि प्राथमिक परिपथ में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर यहां पर मैंने वोल्टता बोल दी शून्य, कितनी बोल दी, 0 वोल्ट बोल दिया, ये 0 वोल्ट हो गया, तो यहां पर ये इसके सिरों पर विभवांतर मैंने वी बोला, ये दोनों मिलाकर वी है तो ये 0 होगा, यहां माइनस से प्लस जा रहा हूं तो यहां पर वोल्टता आ गई वी, यहां पर 0 हो गई, यहां पर वी वोल्ट आ गया। अब क्या करेंगे, मुझे यहां पर विभव प्रवणता भी पता चल गई थी, फाइ अभी लिखना सिखाया मैंने तुम्हें, फाइ विभव प्रवणता ये हो जाएगा वी बटे में कैपिटल एल लंबाई हो जाएगी। अच्छा थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहां पर विभव प्रवणता हो जाएगी वी बटे में कैपिटल एल। अब क्या होगा सर, अब क्या करना है, अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे द्वितीयक परिपथ बनाएंगे, उसमें क्या करते हैं, इस सिरे से एक बैटरी लेते हैं, अज्ञात ईएमएफ की बैटरी लेंगे, इसका ईएमएफ स्मॉल ई बोल दिया, अज्ञात है, और साथ ही साथ इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा स्मॉल, है ना, ये बैटरी यहां पर फिक्स कर दी हमने। अब ये बैटरी फिक्स करने के तत्पश्चात, है ना, ये बैटरी फिक्स कर दी, अच्छा तो ये बैटरी फिक्स कर दी तो यहाँ पे वोल्टता भी आ गई है, यहाँ पे वोल्टता भी है, तो क्या मैं इस बोल सकता हूँ इस सिरे की वोल्टता भी वी हो जाएगी। अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये फिक्स रहता है और यहाँ पे तार रहता है जो हिलडुल कर सकता है, और इसके साथ में बांध देते गैल्वेनोमीटर, क्या बांध देते गैल्वेनोमीटर।
अब एक गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा होता है ना, वो जॉकी होता है, तो जॉकी को हम ऐसा उठाते, जैसे देखो मैं पहले वाले डायग्राम पर जाता हूं, ये अब हमने बनाया था, तो अब क्या करेंगे, यहां पर ए बिंदु से एक और हम सेल बना देंगे, अज्ञात सेल है ना, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अज्ञात सेल लगा देंगे, और इसका यहां पर एक जॉकी की लगाएंगे ना, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे बीच में और एक जॉकी, अब वो जॉकी को हम इस तार पर ऐसे हिलाते रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु पर है ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु पर हमें शून्य विक्षेपण प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु पर शून्य विक्षेपण, मान के चलो ये बिंदु सी था जिसपे शून्य विक्षेपण प्राप्त हुआ, अब ये शून्य विक्षेपण प्राप्त हुआ तो इसमें क्या पता चला सर, देखो तो ये शून्य विक्षेपण प्राप्त हो गया, मतलब यहां से कोई धारा नहीं जा रही है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं शून्य विक्षेपण विधि पर कार्य करता है, तो मान के चलो हमने बोला कि यहां पर कुछ लेंथ स्मॉल एल हो गई, स्मॉल एल पर, स्मॉल एल लंबाई पर, लंबाई पर शून्य विक्षेपण, शून्य विक्षेपण प्राप्त होता है, तो अगर शून्य विक्षेपण प्राप्त होता है बेटा तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम यह बोल सकते हैं कि सर यहां से कोई धारा नहीं जा रही है, हम क्या बोलेंगे, यहां से कोई धारा नहीं जा रही है, तो धारा यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई, और इसमें से तो बहेगी, अरे इसमें तो बहेगी ना ऊपर वाले में, तो इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा नहीं है क्योंकि यहां पर ये जी तो शून्य है, ये गैल्वेनोमीटर का शून्य विक्षेपण ढूंढ लिया तो वहां पर धारा शून्य है, मतलब नीचे कोई धारा नहीं जा रही है, अच्छा तो नीचे अगर कोई धारा नहीं जा रही है तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव समान है, बिल्कुल सर यहां पर इन दोनों बिंदु का विभव समान होगा, क्यों समान होगा, इस बिंदु का विभव भी मैं बीसी बोल देता हूं, ये ए बोल देते इसे, ये ए हो गया था, ये बी बोल दो या जीरो रहने दो, यहां पर ये शून्य, ये सी हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई धारा नहीं जा रही, इसमें धारा शून्य है, तो अगर यहां धारा शून्य है तो इसका और इसका विभव बराबर होना चाहिए, तभी तो हमने बोला धारा शून्य मतलब विभवांतर नहीं है, तो अब देखो अब मुझे ये पता चला कि यहां का विभवांतर यहां के विभवांतर के बराबर होना चाहिए, अरे ये देखना ये भी बी है, ये भी ए सी है, ये मतलब विभव एक है, ए पर ये विभव सी पर, ये विभव ए पर ये सी पर है, तो ये विभवांतर और ये विभवांतर एकदम हूबहू सेम, तो अगर सेम आ गया है तो मैं यहां पर ऊपर वाले से क्या वी ए माइनस वी सी लिख सकता हूं, वी ए माइनस वी सी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये हो जाएगा इकाई लंबाई में विभवांतर, ये क्या है विभव प्रवणता, ये क्या है इकाई लंबाई में, इकाई लंबाई में विभवांतर, ये हमने क्या नाम दिया सर विभव प्रवणता, तो अब कितनी लंबाई है ये सर स्मॉल एल लंबाई है, तो वी ए माइनस वी सी जो है फाइव इंटू एल आ गया, अच्छा और यही यहां पर भी होगा और इसमें से कोई धारा नहीं जा रही है, तो यहां पर ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो यहां पर ये होगा E के बराबर, तो E के बराबर हो गया फाइव इंटू एल, बस कहानी खत्म, L लंबाई तो मैं स्केल लगा हुआ रहता वहां से निकाल सकते हो, फाइव तो मैं पहले ही पता है, E का मान आ गया, अज्ञात विद्युत वाहक बल प्राप्त कर लिया हमने, और ऐसे प्राप्त किया कि उसका आंतरिक प्रतिरोध हमें पता ना हो तो भी हमने काम सेट कर दिया, आया मजा है ना, खतरनाक आइडिया कि उसमें से धारा ना जाए, धारा ना जाए, और हमने बोला कि अच्छा तू संतुलित होगा यहाँ पर, तो ये वाला जो विद्युत वाहक ये यहाँ पर जो विभवांतर हो यहाँ का विभवांतर जो है वो समान होना चाहिए तभी संतुलन आ रहा, बस ये दिमाग लगाया और उससे काम सेट हो गया, क्लियर है, तो ये इसका पहला उपयोग भी है या पहली बात भी कि हमने इसको बनाया कि उसको क्यों बनाया ताकि हम यहाँ पर ये अज्ञात अज्ञात सेल का ईएमएफ ज्ञात कर सके, ये हमने क्या करा, ये हमने अज्ञात सेल का ईएमएफ ज्ञात किया, अज्ञात सेल का ईएमएफ ज्ञात किया है हमने, ठीक है ओके सर बहुत बढ़िया, अब यहां पर ये तो हमें पता चला E बराबर हो गया फाइव इंटू एल, तो हमें इसको आसानी से L वेल का मान फाइव का मान अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें बन जाएगी सारी बात, अच्छा अब हमारे लिए मेन मुद्दा ये कि क्या हम इसको और भी कुछ करने के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, तो वो सब भी हम बातें देखते हैं, ये लिख लो ये फर्स्ट है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं प्राथमिक परिपथ है, प्राथमिक परिपथ है और ये द्वितीयक परिपथ है,
दो परिपथ है यहाँ पर ना, एक प्राथमिक है और एक द्वितीयक परिपथ है। ठीक है, तो द्वितीयक परिपथ में धारा शून्य तो वहां का प्रतिरोध हट गया। अच्छा चलो, इसके अलावा और क्या यूज किया जा सकता है? इसको हम ऐसा भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मेरे पास दो सेल है तो वो दो सेल को कंपेयर करना है मुझे कि किसमें विद्युत वाहक बल अधिक है ना, किसमें विद्युत वाहक बल अधिक है। अच्छा, ये कंपेयर करें उससे पहले एक कॉमन सेंस की बात मेरे दिमाग में आई यार, ये क्या हम कोई भी अज्ञात ईएमएफ ज्ञात करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, ये हर जगह यूज नहीं कर सकते। मान के चलो ऐसा हो जाए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी कंडीशन है, कंडीशन कि कब उपयोग में ला सकते हैं। कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट सी बात की जो ई है आपका वह कम होना चाहिए वीएबी से। मतलब सर, अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल जो है वह यहां पर जो विभवांतर आया उससे कम होना चाहिए तो ही बात बनेगी। सर ज्यादा हो गया तो, अबे मूर्ख, ज्यादा हो गया तो नल पॉइंट शून्य विक्षेपण प्राप्ति नहीं होगा कभी। अरे यार अजीब बात कर रहे हो तुम, यहां से यहां तक मान के चलो ये 50 वोल्ट विभवांतर दे सकता है, यहां से यहां तक 50 वोल्ट दे सकता है। तुमने लगा दी 100 वोल्ट की बैटरी, अब तुम लगे हो ढूंढने में कि कहां शून्य आएगा, कहां शून्य आएगा, कभी शून्य नहीं आएगा क्योंकि यहां सो होगा तब यहां सो होगा तब यहां पर से शून्य जाएगा, यहां सो होगा तभी तो इसमें से शून्य जाएगा या धारा नहीं जाएगी। और अगर तुमने यहां से यहां तक पूरा ही 50 है तो तुम कहीं शून्य मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर पूरा जो विभवांतर था वह 50 ही था। ठीक है, और सेल लगा दिया तुमने 100 वोल्ट का, तो अज्ञात भले ही पता नहीं हो लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये जो हमारा जो यहाँ पे मेन बैटरी है उससे कम विद्युत वाहक बल हो। अच्छा, इसके अलावा एक दो और इंपॉर्टेंट सी कंडीशन हो सकती है क्या, कि आपने ये जो मेन बैटरी थी और उसके साथ में यहाँ पर ये जो तार वार जोड़ा आपने और कार्यक्रम यहाँ पे प्रतिरोध बनाओ ना बनाओ तो मेन है यहाँ पे विभवांतर निकालना बस। अगर तुमने सेल को उल्टा लगा दिया, क्या कर दिया, उल्टा लगा दिया, अरे सर उल्टा कैसे लगा, गलती से लग गया उल्टा, तो कभी भी तुम्हारा शून्य या नल डिफ्लेक्शन आने ही नहीं वाला है ना, ये गलत होगा या हम बोल सकते हैं शून्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, ये देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव है? अच्छा सर ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये होगा ए बिंदु, ये होगा बी बिंदु, अब ये है माइनस ये है प्लस, तो देखो तुम्हें शून्य प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, कैसे प्राप्त करा था शून्य, सर यहां पर है प्लस यहां पर माइनस, यहां से जाएंगे तो विभव गिरेगा, तो जितना यहां गिर रहा था उतना ही यहां गिरा, तो गिरा बराबर कर दिया हमने। अबे जितना ये इधर की तरफ जाओगे तो विभव गिर रहा है, यहां तो ए से शून्य हुआ है, यहां ए से प्लस से माइनस को दोगे तो गिरेगा, तो ये जितना गिरा उतना ही गिरा, दोनों को बराबर कर दिया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए सर, ऐसा हो जाए तो यहां कितना गिरा, सर यहां पर कुछ गिरा लेकिन यहां तो उड़ गया, यहां से यहां जाने पर विभव बढ़ जाएगा। तो अगर मान के चलो यहां पर था वी है, यहां पर भी है वी है, ये है 50 वोल्ट, ये हो गया शून्य, ये भी होगा 50, लगा दी तूने बैटरी उल्टी, तो यहां तो हो गया 50 या 50 प्लस ई हो जाएगा, अब 50 प्लस ई हो गया यहां पर तो काम ही नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि यहां पर ये है 50, तो जैसे जैसे आगे ले जाओगे वैसे वैसे ये, जैसे मान के चलो तुमने ये यहाँ पे 50 था यहाँ पे शून्य था, तो यहाँ पे विद्युत वाहक ये विभवांतर मान के चलो यहां से यहां तक 10 वोल्ट था, तो यहाँ पे 10 प्लस 50 आएगा, तो सर ये 50 सॉरी 10 प्लस ई और 10 कैसे बैलेंस हो जाएगा? अरे मान के चलो यहां पर कुछ नंबर लिखे हुए, यहां से तुम घूम कर आ रहे हो, तो अगर तुम यहां के ऊपर और नीचे वाले तुम्हें बैलेंस करने हैं, बराबर करने हैं, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे भी जाना पड़ेगा, जितना ऊपर वाला चल रहा है उतना नीचे वाले को भी चलना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा, है ना। लेकिन सर हमको हम इस गाड़ी से चल रहे, वो उस गाड़ी से चल रहा, हमको उसको ओवरटेक करना है, भाई वो मर्सिडीज से घूम रहा है, तू घूम रहा है चेतक स्कूटर से, नहीं तुम्हारे गियर डाल खत्म कर दो, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, कभी ओवरटेक नहीं कर पाओगे, कभी बराबर भी नहीं जा पाओगे, तो वही वाली बात है ना, उसको भी चेतक दिलवाओ, चेतक पे बिठाओ, तब बराबरी की बात होगी, तो वही वाली कहानी है। तो यहां पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है, गलत हो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दो कंडीशंस होती है कि इस कंडीशन में ये काम नहीं करने वाला। ओके,
अब ये दो सेलों की तुलना करने में भी हमें काम आ सकता है। कैसे तुलना करने में? जैसे देखो यहां पर हमने क्या किया, पहले ये देखो ये स्विच है, ये 1 2 3 तीन स्विच है ना। तो अगर मान के चलो मैंने स्विच 1 से 2 कनेक्टेड है, 1 से 2 कनेक्ट है, 1 से 2 कनेक्ट किया। तो अगर मैंने स्विच 1 और 2 को कनेक्ट किया हुआ है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर यहां पर ये E1 होगा? अच्छा, तो यहां पर अब ये अगर J पर ये बैलेंस हो रहा है, J पर बैलेंस हो रहा है, तो ये वाली जो लंबाई है वह E1 को बैलेंस कर रही है। वो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इतनी सी बात करनी है, अभी के लिए भूल जाओ, अभी के लिए भूल जाओ, भूल जाओ। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल परिपथ जैसा। अब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया उससे क्या ही फर्क पड़ता है यार, है ना। यहां से ये E1 है, यहां पर ये E1 है और ये इसको बैलेंस करेगा, बस कहानी खत्म हो गई। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं E1 जो होगा वो phi L1 के बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? phi L1 के बराबर हो जाएगा। ओके सर, अगर मान के चलो डिजाइन वाला ही बनाते, मान के चलो हमने स्विच 2 एंड 3 कनेक्ट कर दिया ना, क्या कर दिया, स्विच 2 एंड 3 कनेक्ट करे, तो स्विच 2 एंड 3 कनेक्ट कर दिए बेटा, ये रहा 2, ये रहा 3, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये वाला हट गया है, अब ये वाला हट गया है, अब क्या है हमारे पास, अब है सर यहां पर ये है ए बिंदु, यहां पर से इधर आएगी धारा और यहां से ऐसी चली जाएगी, ठीक है। ये वाला डिस्कनेक्ट हो गया, ये वाला तार खुल गया है। तो अब यहां पर ये जो E2 होगा इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर कहीं J' जगह पर लेगा, ठीक है, J' जगह पर। अच्छा, एक और बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, क्या, कि जितना ज्यादा हमारे लिए E होगा, जितना ज्यादा E होगा या नीचे वाला सेल का जितना ज्यादा विद्युत वाहक बल होगा उतनी ज्यादा दूर ले जाना पड़ेगा मुझे। भाई बैलेंस करना है, बैलेंस शून्य विक्षेपण प्राप्त करना है, तो यहां पर वही तो मैं सिखा रहा हूं कि यहां से जब बैलेंस किया तो अगर E का मान बढ़ गया तो ये और ज्यादा दूर जाके बैलेंस होगा, E का मान और बढ़ गया तो यहां पर जाके बैलेंस बढ़ेगा। तो मुझे नहीं पता ना E का मान कितना है, लेकिन इतना पक्का कि जितना ज्यादा E का मान होगा उतनी ज्यादा दूर जाके बैलेंस होगा वो। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, E2 जो होगा सर वो phi L2 के बराबर हो जाएगा। और यदि L2 बड़ा है L1 से, यदि L2 बड़ा है L1 से, तो इसका मतलब होगा E2 बड़ा होगा E1 से, या मैं लिख सकता हूं साफ कि सर यहां पर यह दूर बिंदु पर विक्षेप शून्य विक्षेपण प्राप्त कर रहा है, मतलब इसका मान अधिक होगा। अच्छा, अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मैं लिख सकता हूं E1 बाय E2 जो होगा वह L1 बाय L2 के बराबर हो जाएगा। E1 बाय E2 जो हो जाएगा वो L1 बाय L2 के बराबर होगा बिना किसी समस्या के, ठीक है, आसानी से मैं बात बोल सकता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, E1 बाय E2 जो होगा वो L1 बाय L2 के बराबर हो जाएगा। कैसे पता कर सकता हूं मैं यहाँ पर, मैं पता कर सकता हूं या E1 बाय E2 जो होगा वह L1 बाय L2 के बराबर हो जाएगा, या यहाँ पर E1 कितना है सर, E1 तो E1 ही होगा, E2 E2 ही होगा। अगर मुझे एक भी दिया हो तो मैं दूसरा पता कर सकता हूं, या मैं दोनों का अनुपात पता कर सकता हूं क्या होगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट सा यूज था इसमें कि दो सेलों की तुलना करना, तुलना करना मतलब कि हम पता कर रहे हैं कि कौन सा सेल ज्यादा बड़ा है, कौन सा सेल कम है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर L1 L2 का मान पता करें तो भी हम पता कर सकते थे कि कौन सा सेल बड़ा होगा, कौन सा सेल छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें कर लेते हैं। दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध पता करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा यूज है जिसपे सीधे सीधे सवाल आते हैं, ठीक है सर। अब आपने ये तो पता कर लिया है ना, अब E1 E2 का तो पंगा हम समझ गए, E बराबर phi into L लिखना खत्म कहानी बस। अब लेकिन अगर मेरे पास प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध पता करना है ना, मतलब कि अगर मेरे पास एक सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध पता करना है तो कैसे पता कर सकता हूं आंतरिक प्रतिरोध, है ना। अच्छा, और दो प्रतिरोधों की तुलना भी करने में काम आ सकता है, वो भी हम देख लेंगे, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध कैसे पता कर सकता हूं मैं, देखो। अब मैंने यहां पर एक सेल लगा दिया, एक वायर लगा दिया, ठीक है, यहां पर ये वी कट, ये विद्युत वाहक बल, ये सब कुछ मिलाकर मैं सारे जितने थे उन सबको अंदर घुसा के मैंने वी बोल दिया, क्योंकि मेरे को उसमें समय नहीं बर्बाद करना, मेरे को नीचे की बातें समझना है। तो यहां पर मान के चलो एक ई था और यहां स्मॉल आर था, ठीक है। अब हमें पता चला कि सर यहां पर यह जी गैल्वेनोमीटर लगा दो ना, यहां पर थोड़ा सा हम स्विच विच बनाएंगे, यहां पर हमने इसमें एक स्विच बनाया,
स्विच का क्या करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मान के चलो यहां से हमने इसे कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, आगे नीचे और भी कुछ बनाएंगे अभी जरूरत पड़ेगी। तो मान के चलो यहां पर हमने इस बिंदु पर शून्य विक्षेपण प्राप्त करा L1 पर, ठीक है। L1 पर शून्य विक्षेपण जब स्विच खुला हो, स्विच ओपन में L1 पर शून्य विक्षेपण, L1 पर शून्य विक्षेपण आया, मान के चलो L1 पर शून्य विक्षेपण आया, तो हम लिख सकते हैं E बराबर होगा phi L1, इतना तो लिख सकता हूं मैं। अरे मेरे भाई E बराबर phi L1 लिख सकता हूं मैं, कैसे आया सर E बराबर phi L1, E क्या है, E तो यही होगा है ना, तो phi into L1, ये phi into L1, L1 क्या होगा इसका L1 मतलब कि जहां पर भी इसमें शून्य विक्षेपण प्राप्त हो रहा था, ठीक है। अच्छा अब क्या करा हमने, अब हमको इसमें ये स्मॉल r का मान ज्ञात करना है। तो सर स्मॉल r का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, स्मॉल r का मान तभी ज्ञात होगा जब इसमें से धारा जाएगी, धारा के बिना हम कभी ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाया कैपिटल R, बाह्य प्रतिरोध लगाया कैपिटल R, तो कैपिटल R जो है वो ज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात नहीं, उसका मान पता है मुझे ना, ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ये जो मुझे वैल्यू पता है ज्ञात प्रतिरोध है। तो अब जैसे ही स्विच बंद करूंगा तो क्या होगा बेटा, देखो इसमें धारा जा रही है उसका तो गोली मार दो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब मेरे पास यहां पर भी धारा जाने लगेगी, इसमें भी धारा बहने लगेगी, इसमें भी धारा बहने लगेगी, ठीक है। तो एक बार बंद करके मैं इस पूरे को फिर से बनाना चाहता हूं, तो एक बार हम इसको बंद करते हैं और बंद करके इसको पूरे को फिर से बना लेते हैं। बन गया, अरे तुम्हें क्या लगा, हाँ हाँ हम बनाएंगे नहीं, अब हमने इसीलिए आज ऐसा वाला बोर्ड लेकर आए हैं, ये फटाफट फटाफट कर दे, ये बहुत बड़ा परिपथ बनता है ना, ये बनाने में थोड़ी सी समस्या आती है, एक बार बनाओ कॉपी पेस्ट करो। देखो तो अब मान के चलो अब क्या होगा सर, अब ऑब्वियसली बात है कि यहां पर जैसे हम बंद करेंगे तो गैल्वेनोमीटर कुछ नई लंबाई पर, अब ये फिर से गैल्वेनोमीटर है, कैसा भी बना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी नई लंबाई पर हमें शून्य विक्षेपण देगा। तो अब क्या था, यहां पर अगर मैंने ए बोला, यहां पर मैंने शून्य बिंदु बोला था, अब यहां पर मेरा कुछ नया बिंदु आएगा, तो अब ये भी वी ए होगा, ये भी क्या होगा वी ए हो जाएगा सर। अब हमारे पास ये सी बिंदु है, ये हमारे पास सी बिंदु है, ये हमारे पास वी ए है, या हम इस बिंदु का विभव वी सी बोल सकते हैं। तो यहां का विभव अगर वी सी है या सी बिंदु है, तो अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अब मेरे लिए जो वी सी का मान है वो कम आएगा, ऑब्वियसली बात है सर कम आएगा है ना। तो यहां पर अब विक्षेपण जो होगा L2 पे जो आएगा वो L1 से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा L1 से कम हो जाएगा, तो L1 से कम होगा तो सर ये यहां पर कहीं आएगा L2, और L2 जो आएगा अब है ना स्विच बंद करने के बाद, स्विच क्लोज करने के बाद में जो L2 आएगा हमारा, वो L2 जो है वह अब थोड़ा सा कम आएगा, स्विच क्लोज में L2 शून्य विक्षेपण आ रहा है ना, L2 पर शून्य विक्षेपण आ रहा है, तो स्विच क्लोज करने के बाद में सर L2 पर अगर शून्य विक्षेपण आएगा तो उस स्थिति में मैं क्या बोल सकता हूं, उस स्थिति में मैं यहां पर बोल सकता हूं सर कि हमारे पास पहली बात तो ये कि L2 का मान जो है वह कम आएगा L1 से, और आना भी चाहिए L2 का मान L1 से कम। क्यों आना चाहिए सर L2 का मान L1 से कम, क्योंकि यहां पर अब जो विभवांतर होगा, अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, अब इसकी भी खुद की कुछ धारा होगी, तो जब इसमें से धारा बहने लगी मेरे प्यारे, तो यहां पर सर जो विभवांतर आएगा या VA - VC जब मैं बोलूंगा तो E - IR बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा E - IR, क्यों, क्योंकि यहां पर इसमें धारा जा रही है, तो अगर इसमें धारा जा रही है तो इसमें E - IR विभवांतर होगा, E विभवांतर नहीं होगा, E - IR विभवांतर होगा। अच्छा सर ओके, धारा नहीं जा रही तो E विभवांतर होगा, इतनी सी बात थी। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब मेरे पास जो लंबाई आएगी वो किसके लिए आई है, वो आई है सिर्फ E - IR के लिए, अगर मैं VAB VA - VC लिखूंगा
तो ये क्या आ जाएगा, ये फाई इंटू एल टू तो आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि इकाई लंबाई में विभवांतर फाई अभी भी है और एल टू की वैल्यू मुझे पता भी है, तो फाई इंटू एल टू तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब मेरे लिए नई बात क्या होगी, ई E माइनस आई आर हो गया, तो अब आई अच्छा इसमें धारा लिख सकता हूँ क्या, हाँ ये नीचे वाले परिपथ में धारा लिखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, E अपॉन में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर धारा हो जाएगी सर, क्योंकि धारा क्या होगी, धारा होगी E अपॉन में ये स्मॉल आर कैपिटल आर श्रेणी में, बस वैल्यू उठा के रख दो, आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। आप चाहो तो देखो ये बात, ये भी E माइनस आई आर भी लिख सकते हैं, और यह और आसान बनाना तो ये भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये देखो ये वाला जो विभवांतर है वही विभवांतर ये है और वही विभवांतर ये, तीनों में इस विभवांतर समान है, क्योंकि यहाँ की धारा ऊपर अलग घूम रही है, यहाँ की धारा अलग अलग घूम रही है, तो इनमें धारा नहीं जा रही है, तो अगर ये जी में से धारा नहीं जा रही तो ये विभवांतर ये विभवांतर ये विभवांतर समान है, बैलेंस है, यही तो वीटस्टोन ब्रिज भी होता था, इधर वाला और इधर वाला विभवांतर बराबर, इधर वाला बराबर, तो बीच में से कोई धारा नहीं जाएगी, तो या चाहे तो हम इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं वी ए माइनस वी सी जो है उसे हम फाई इंटू एल टू तो लिखा हुआ है, और हम इसे क्या लिख सकते हैं आई इंटू कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आई इंटू कैपिटल आर, बात बराबर ही है, ई माइनस स्मॉल आर जो होगा वो आई इंटू कैपिटल आर के बराबर होगा, क्योंकि ये विभवांतर बराबर। ओके सर, तो अब इनको बराबर करके एक बार हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, चलो तो ये हो जाएगा आई इंटू कैपिटल आर, किसी से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम है इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ, फाई एल टू और स्मॉल आई जो है वो ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर जो होगा वो फाई इंटू एल टू के बराबर हो जाएगा, तो यह हमारा समीकरण नंबर दो बोल दो इसे, यह हमारा समीकरण नंबर एक था। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्मॉल आर, तो क्या करेंगे सर इसके लिए, सर इसके लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो वन डिवाइडेड बाई टू जैसे ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वन की वैल्यू जो है सर वो फाइव ई बराबर फाइव एल वन बटे में ये हो जाएगा ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन में फाइव एल टू, ठीक है हमने कुछ छोड़ दिया, हाँ एक कैपिटल आर छोड़ दिया ना, ठीक है, तो यहां से ई कट जाएगा, एक फाइव से फाइव कट जाएगा, देखो ये जो सब कुछ मैं कर रहा हूं ये तुम्हें करना आना चाहिए, इसलिए मैं पूरा मेथड बता रहा हूं, वरना इस दुनिया में ड्रॉपर बैच में ऐसा पढ़ाया जाता है, देख इसका आंसर ये आएगा, इसमें ऐसा करना होता है, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, मैं तुम्हें वैसा फिजिक्स कभी ना तो पढ़ाता हूं ना तो कभी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और वो फिजिक्स नहीं है, वो मैं तुझे फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, तो क्रैश कोर्स ही हो गया फिर तो सीधे, ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूं बढ़िया तरीके से आराम से सुनो, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर ऊपर चले जाएगा अपॉन में कैपिटल आर, ये बराबर होगा एल वन बटा एल टू, इससे भी मुझे एक प्रूफ मिलता है कि एल वन जो होगा वो एल टू से बड़ा होगा, कैसे मुझे प्रूफ मिला, देखो ये स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, तो सर ऑब्वियस सी बात है ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो यहां पर एल वन बड़ा होना चाहिए एल टू से, स्मॉल आर क्या क्या इसको बीच में से तोड़ दो, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर माइनस वन सॉरी प्लस वन जो हो जाएगा वो एल वन बाय एल टू हो जाएगा, ये एल वन बाय एल टू उधर की तरफ चले जाएगा और स्मॉल आर की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे वो कितनी आ जाएगी, कैपिटल आर इन टू एल वन माइनस एल टू अपॉन में एल टू, इसका लगा लो रट्टा है ना, एल वन माइनस छोटा बड़े में बट्टे में छोटा इंटू कैपिटल आर जो होगा स्मॉल आर के बराबर होगा, तो यहां से मैं इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर ले गया कि इसमें हम जब भी हम सॉल्व करेंगे या हमको अगर वैल्यूज दी जाए तो उसमें आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कैसे ज्ञात कर सकता हूं, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया सी बात, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर पहले इसमें विभवांतर दिखा फाइव इंटू एल वन वो था नॉर्मल सा था, ये केस वन था, ये केस वन था, ये केस टू में मैंने क्या किया यहां पर स्विच को बंद किया, तो स्विच को बंद करते ही यहां का अविभवांतर और यहां का अविभवांतर ये बराबर आना चाहिए, अब इसका अविभवांतर ई से कम हो गया तो ई माइनस आई आर हो गया यहाँ पर, तो ई माइनस आई आर हो गया, अच्छा और यहां पर होगा स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर ही किसी से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके लिए एल टू पर संतुलित हो रहा था तो ये मैं लिख दिया फाइव इंटू एल टू बस, और उसी को आगे सॉल्व कर दिया, दोनों को डिवाइड करके आंसर आ गया। अब इसमें एक लास्ट वाला कर लेते हैं हम, लास्ट वाला देखिए इसमें क्या होता है, दो प्रतिरोध की तुलना करना, दो प्रतिरोध की तुलना करना, तो यहां पर ये भी एग्जैक्टली जैसा हमने पीछे पढ़ा उसी के जैसा है ना, यहां अगर पीछे वाला समझ में आएगा तो ये तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें क्या होगा, पहले हमने वन और टू को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, वन और टू को जोड़ दिया, तो दो प्रतिरोधों की तुलना करने में हमने पहले स्विच वन और टू को जोड़ा, वन और टू को जोड़ा जाता है,
तो जब वन और टू को जोड़ा जाता है बेटा तो क्या होगा, देखो इसमें, देखो अब ये फिर से कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा सर, इसमें कहीं ना कहीं संतुलन की संतुलन प्राप्त होगा। तो हमने बोला L1 पर संतुलन आ रहा है, L1 पर संतुलन आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं इसमें धारा जा रही है रुई 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 धारा घूम रही होगी। तो L1 पर संतुलन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें ये R2 जो है ये सर ये गया क्या, नहीं नहीं कहीं नहीं गया। एक्चुअल में क्या होगा जो परिपथ बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो बना देता हूं पूरा अंदर पूरा वो जो ऊपर का पूरा रामलाल ने बनाया है सब कुछ प्रतिरोध प्रतिरोध। अच्छा ये क्या बना हुआ है, ये भी हमारा रियोस्टेट ही है जैसे अभी बनाया था ना वैसा ही, उसको चिन्हित करने का एक और तरीका होता है। पूरा कार्यक्रम वार्यक्रम हुआ यहाँ पर, और अब अगर मैंने इसको और इसको मिला दे तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा R1 यहाँ पर, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है जो इसको कहीं ना कहीं नल डिफ्लेक्शन या अच्छा शून्य विक्षेपण को अंग्रेजी में नल डिफ्लेक्शन कहते हैं। ये बैटरी बनी, ये एक और प्रतिरोध हो गया और ये कहानी खत्म हुई। इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा उससे अब कोई मतलब नहीं है मुझे, ये R2 हो गया ठीक है। तो अब इसमें कुछ ना कुछ धारा जा रही होगी, अच्छा इसमें धारा क्या होगी, इसमें धारा जो होगी नीचे वाले में, इसमें धारा सर मैं देख सकता हूं V, अब अगर वहां पे V बोला है तो V अपॉन में R1 प्लस R2, ये धारा से कोई मतलब नहीं है हमें, अभी कैंसल आउट होगी, देखो होगी होगी फिर वैसी मैंने बता दी तुम्हें। अब यहां का विभवांतर कितना है, यहां देखो तुम्हें ये विभवांतर सोचना है, ये सोचोगे तो मुश्किल है कोई मतलब नहीं है, ये धारा इंटू आई वन, तो ये इसने किसे संतुलन किया है L1 पर, L1 पर जो संतुलन हो रहा है सर वो हो रहा है धारा इनटू R1 संतुलित होगा phi L1 पर। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें संतुलन बनाना है और कुछ नहीं करना है, क्या करना है संतुलन। तो ये I I इंटू R1, I इंटू R1 जो होगा वो संतुलित होगा phi L1 पर, जो phi इंटू L1 पर संतुलित होगा। Exactly जब मैं इसको हटाकर इसको जोड़ दूंगा, इसको जोड़ दूंगा तो देखो क्या हुआ, अब ये दोनों मिलकर संतुलित होंगे इस पे, दोनों मिलकर। तो पहली बात तो यहां पर जो L2 आएगा फिर से वो कहीं बाहर आएगा है ना, ये यहां पर कहीं यहां पर आएगा G' जब 1 और 2 को जोड़ा जाएगा, 1 और 3 को स्विच 1 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है स्विच वन और थ्री को जोड़ने पर क्या होगा, स्विच वन और थ्री को जोड़ने पर परिपथ तो ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे बैटरी बैटरी होगी, इसमें यहाँ पर ये एक कार्यक्रम, ये एक प्रतिरोध, ये R1, ये R2 और नीचे अज्ञात सेल वेल, उससे मुझे मतलब नहीं, मैं तो और ही कुछ करना चाह रहा हूं। यहां पर यह जे डैश आ गया मेरा एल टू लंबाई पर, कितनी लंबाई पर, एल टू लंबाई पर जे डैश आ गया। तो अब यह किसको बैलेंस कर रहा है सर, अब यह जो बैलेंस कर रहा है वह R1 प्लस R2 को बैलेंस कर रहा है ना, यह जो L आएगा वो R1 प्लस R2 को बैलेंस कर रहा है। इसमें धारा ही आएगी, देखो धारा अभी भी वही होगी, नीचे वाले को क्या मतलब, ऊपर क्या चल रहा है, वो तो बस दो प्रतिशोध है, मैं तो सहल हूं, मैं तो धारा दूंगा, मैं तो धारा दूंगा, वो यहाँ पे भी दे रहा था वहां पे दे रहा, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने इसकी सेटिंग जमाकर ऊपर कार्यक्रम किया तो यहाँ पर होगा आई इंटू धारा इंटू R1 प्लस R2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा phi L2 के। देखो इसमें चक्कर यही है, समझना है सोचना है, लेकिन आंसर जो है वो एक लाइन में आएगा। अभी सवाल दिखाऊंगा ना तुम्हें, तुम्हें देखो ये सवाल है, ये सवाल है, ये बड़े बड़े सवाल, ये बड़े बड़े सवाल नीट में 2016 में, ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल, सवाल बड़े बड़े आ रहे लेकिन सॉल्यूशन जो इनके वो एक एक लाइन में आएंगे, एक एक लाइन में आप कर सकते हो, बस ये इक्वेशन ही तो बनानी है, कहानी खत्म हो जाएगी, क्या दे रहा है बस वो समझना है, भावना है समझ गए, तो बस देखते ही देखते आंखों ही आंखों में सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसे इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं, इसे टू बोल देते हैं, ये आई इंटू आर क्यों कर रहा हूं, विभवांतर, ये विभवांतर होगा आई इंटू आर वन प्लस आर टू, ये होगा आई इंटू आर वन, दोनों को डिवाइड कर दो तो वन और टू को डिवाइड करेंगे हम तो हमें पता चला सर, क्या पता चला सर, वन में है आई इंटू आर वन बराबर होगा फाइव एल वन बटे में आई इंटू आर वन प्लस आर बटे में फाइव एल टू, इस तरफ फाइव एल टू आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें सर तो आई से आई कट गया, फाइव से फाइव कट गया, तो यहां पर आ गया बड़ा सवाल, सवाल बड़े बड़े आ रहे लेकिन सॉल्यूशन जो इनके वो एक एक लाइन में आएंगे, एक एक लाइन में आप कर सकते हो, बस ये इक्वेशन ही तो बनानी है,
कहानी खत्म हो जाएगी। क्या दे रहा है बस वो समझना है, भावना है समझ गए, तो बस देखते ही देखते आंखों ही आंखों में सवाल सवाल हो जाएगा। तो देखो इसे इक्वेशन नंबर वन बोल देते, इसे टू बोल देते। ये आई इंटू आर क्यों कर रहा हूं, विभवांतर, ये विभवांतर होगा आई इंटू आर वन प्लस आर टू, ये होगा आई इंटू आर वन, दोनों को डिवाइड कर दो। तो वन और टू को डिवाइड करेंगे हम, तो हमें पता चला सर, क्या पता चला सर, वन में है आई इंटू आर वन बराबर होगा फाइव एल वन बटे में आई इंटू आर वन प्लस आर टू बटे में फाइव एल टू, इस तरफ फाइव एल टू आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें सर, तो आई से आई कट गया, फाइव से फाइव कट गया, तो यहां पर आ गया आर वन अपॉन में आर वन प्लस आर टू जो होगा वह बराबर होगा एल वन अपॉन में एल टू। अब हमें आर वन आर टू को कंपेयर ही करना था ना, तुलना करना, तो तुलना तो वैसे भी हो गई है, आप चाहो तो इसको घुमाकर ऐसा रख सकते हो, आर वन प्लस आर टू अपॉन में आर वन बराबर होगा एल वन बाय एल टू के, बीच में से तोड़ दो तो हो जाएगा वन प्लस आर टू बाय आर वन एल वन बाय एल टू, या हम लिख सकते हैं आर टू बाय आर वन जो होगा वो होगा एल वन माइनस एल टू अपॉन में एल टू। ये कहां से आया, ये होमवर्क है, सबको पता करना है कि ये कहां से आया। अब चार तेजस्वी सच में सोचने लग गए होंगे, अरे मूर्ख ये एक को इधर ले गया तो माइनस वन हो गया ये, ना कोई कमेंट में कर देना फोटो खींच के, सर ये कैसे आ गया, ये माइनस वन उधर हो गया, बता ही दो, क्योंकि ये जो इनको नहीं आ रहा है उनको तो उनका कंपाउंडर लूट कर ले जाएगा, ये माइनस वन। अब बस बहुत बता दिया, इतना ही बता, क्लियर है कार्यक्रम। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट सी कहानियां हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी विभव मापी को लेकर, है ना, थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, बहुत सारी बातें समझने को होती है, तो मुझे लगता है आपने ये सब कुछ समझ लिया, ये सारी बातें। अब हम इसके सवालों की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो ये सब नोट करो, अब हम बढ़ते इसके सवालों की तरफ। चल हाँ भाई, सवाल देख लेते हम एक एक करके। अच्छा सवाल देखो, इससे पहले एक और बात, वोल्ट मीटर विभव मापी में क्या अंतर है ना, जो अगर स्कूल वाले बच्चे तो उनके लिए, कि क्यों यूज करना है, क्यों कहां पर क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, वो सब कुछ कहानी है। तो वोल्ट मीटर का यूज क्या होता है और वोल्ट मीटर विभव मापी का यूज क्या होता है। तो इस प्रकार प्रतिरोध उच्च किंतु निश्चित है ना, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर जो है उसका प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन किंतु निश्चित होता है, विभवमापी का प्रतिरोध उच्च तथा अनंत होता है, मतलब कि अनंत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां से कोई धारा ही नहीं जाती, धारा नहीं जा रही तो उसका प्रतिरोध अनंत मान देते हैं। विद्युत वाहक बल स्रोत से कुछ धारा इसमें से बहती है, इसमें कोई धारा नहीं बहती है, इसके द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कम होता है, बिल्कुल इसका विभवांतर कम होगा, इसके द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से विभवांतर के बराबर होता है ना, वास्तविक के विभवांतर होगा, इसकी सुग्रहिता कम होती है। अच्छा सुग्रहिता क्या है, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी की कितना, जैसे सेंसिटिविटी मतलब कि आप कितना सटीकता से चीजें माप सकते हो, और साथ ही साथ आप यह समझो कि वोल्टमीटर से हम जब मापते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है, उसकी एक्यूरेसी कम होती है, इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि क्योंकि लंबाई हमारे पास है, लंबाई हमारे पास, तो अगर मान के चलो मैंने और ज्यादा लंबाई ले ली, तार की लंबाई बढ़ा दी, तो सुग्रहिता बढ़ जाती है ना, तो ये लिख सकते वैसे सुग्रहिता बढ़ाने के लिए वी ए बी जो है वो हमें बढ़ाना होगा, वी ए बी जो है वो कम करना होगा और लंबाई बढ़ानी होगी, जितनी ज्यादा लंबाई लेंगे तो सुग्रहिता उतनी बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया, गई भैंस पानी में, ये बोर्ड का ये एक और फायदा है, थोड़ी सी बच जाती है चीजें, बैक कर सकते हो आप इसमें ना, कि जो था उसे हटा कर वापस ले आओ। अच्छा देखो हाँ, अब ये बहुउपयोगी यंत्र है, क्यों, क्योंकि इससे एमीटर बना सकते हो अपन, है ना, और हमने समझा था कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर बन सकता है, तो एमीटर से वोल्टमीटर वगैरह सब बना सकते हैं, लेकिन यह केवल विद्युत वाहक बल या विभवांतर मापता है। यह विक्षेपण विधि पर आधारित है, मतलब इसमें विक्षेपण आता है कि हाँ भाई जा रहा है नहीं जा रहा है ना, वोल्टमीटर में धारा जा रही नहीं जा रही है, एमीटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये शून्य विक्षेपण पर आधारित होता है। सवाल करेगा अपन, विभवमापी तार की लंबाई एल है, ओके, ई विद्युत वाहक बल का सेल तार के धनात्मक सिरे से L बटा 3 लंबाई पर संतुलित होता है, ओके, यदि तार की लंबाई L/2 अधिक कर दी जाए तो अब सेल का संतुलन बिंदु क्या होगा, ना ये बहुत ही मजेदार सवाल है, सवाल बढ़ के उड़ जाते हैं तोते। देखो क्या बोल रहा है सवाल बोल रहा है कि मेरे पास यहां पर एक सेल था,
है ना, और यहाँ पे कोई एल लंबाई का तार था, कितनी लंबाई का तार था, एल लंबाई का तार था, तो मैं यहाँ पे फाई की वैल्यू लिख सकता हूँ वी बटे में एल। अच्छा, और यहाँ पर ई सेल का, अगर मेरे पास एक सेल है तो उसमें मैंने यहाँ पर शून्य विक्षेपण प्राप्त करा, तो ई प्राप्त करा ई बराबर फाई इंटू एल पर प्राप्त, एल बाय तीन पर प्राप्त किया, किस पर प्राप्त किया, एल बाय तीन पर। फाई क्या है, फाई जो है वो होगा वी ए बी बटे में एल, या वी ही लिख देते अभी, ए बी ए बी तो कुछ नहीं कर रहे हम, वी बटे में एल इंटू एल बटा तीन, यहां पर एल से एल कट गया तो ई का मान आ गया वी बटा तीन आ गया। ठीक है, मतलब जो भी आपका यहां पर सेल आया उसका एक तिहाई हमारा अज्ञात प्रतिरोध अज्ञात विभवांतर वाला सेल है। अब यहां पर L बटा दो अधिक कर दी जाए, मतलब अब क्या कर रहे हैं हमने, हमने यहां पर कुछ नया खेल खेला है, जो अभी तक पढ़ा उससे एक और नया खेल। यहां पर अब जो तार की लंबाई थी वो L प्लस L बटा दो कर दी जाए, मतलब L बटा तीन नए तार की लंबाई कर दी, क्या कर दिया, नए तार की लंबाई L बटा तीन L बटा दो कर दी, ये होगा विभवांतर। अच्छा, अब वही सेल का हमें जो शून्य डिफ्लेक्शन, ये नल डिफ्लेक्शन आएगा एल डैश, वो कहां आएगा, शून्य विक्षेपण कहां आएगा वो पता करना। तो इसमें क्या होगा, यहां पर अगर हम ई की बात करें तो ई को हम क्या लिखेंगे, फिर से ई या कैपिटल ई लिखा हुआ था, कैपिटल ई बना देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होगा कैपिटल ई बराबर फाइव इंटू एल डैश, अब मेरा फाइव बदल गया, क्यों, तार बदल दिया मेरे भाई, तार बदल दिया, यहां तार अलग है, यहां तार अलग है, तो फाइव बदल गया, तो ये फाइव क्या होगा, V बटे में तीन एल बटा दो इंटू एल डैश। अब E क्या गया था, बैटरी नहीं बदली, देख रहे हो तुम, मतलब लोग बैटरी बदल रहे हैं, तार ही बदल दिया, भैया हम बहुत अमीर है, आधा और जोड़े हो इसमें। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर V बटा तीन कर दे हम, तो V ने V को उड़ा दिया, ये तीन ने तीन को उड़ा दिया, ऐसे नहीं सामने सामने वाले उड़ा रहा है ना, वो ये इधर ऊपर है, ऊपर ये ऊपर है, ये नीचे उड़ा दिया, तो ये उठाकर इधर ले जाओ, तो एल बटा दो बराबर हुआ एल डैश। ठीक है, मतलब अब L बटा दो पर हमें शून्य विक्षेपण प्राप्त होगा। ये अच्छा हुआ क्या, हाँ ये और अच्छा हुआ, क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर शून्य विक्षेपण जो है वो कम लंबाई पे प्राप्त हो रहा है, मतलब कि तुमने वहां पर विभवांतर जो दे रखा है AB वो बहुत ज्यादा दे रखा है, तो सुगृहीता जो है घट चुकी है, मतलब अगर अगर तुम्हें अगर अगर तुम्हें मान के चलो 50 वोल्ट पता करना है, तुम्हारा सेल 50 की जगह 51 का था, तो 50 की जगह 51 था, तो तुम्हें हल्का सा खसकाओगे, हल्का सा किया तो एकदम से उसमें रिफ्लेक्शन आ जाएगा, लेकिन 50 से 51 एकदम एग्जैक्ट पता करना, तो उसमें थोड़ी और लंबाई पे अगर हम ले जाए फिर शून्य डिफ्लेक्शन या नल पॉइंट मिले तो ज्यादा बेहतर होगा ना। ऐसा ऐसी बात चल रही है, ये देख ऐसा सुनो, देखो 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 ऐसा, मान के चलो कि यहां पर तुम्हारे लाइन से बहुत सारे लोग खड़े हुए है ना, अब तुम्हें गिनना है, तो अब तो तुम्हारी तुम अपनी स्पीड से चलो, और ये सर 50 लोग गिन नहीं पाए ढंग से, क्योंकि बहुत तेजी से तुम निकल रहे थे, बहुत पास 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 लोग लोग खड़े हुए, तो तुम गिन नहीं पाए ठीक से कि कितने इंसान थे, लेकिन मान के चलो मैंने लोगों को दूर 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 खड़ा कर दिया, अब निकलो तुम उतनी स्पीड से है ना, तो उतनी मतलब ये मैं जो निकल रहा हूं मैं कितनी स्पीड से निकल रहा हूं, ये जॉकी है, जॉकी हिला रहे तुम है ना, तो तुम निकल रहे बहुत सारे, अरे अरे हाँ ये यहाँ यहाँ कहीं जीरो आ रहा है, यहाँ यहाँ कहीं जीरो, तुम हल्का से इधर उधर करने पर तुम्हारा जीरो नहीं मिल पाएगा, बहुत मुश्किल से जीरो मिलेगा, लेकिन बहुत दूर दूर लोग खड़े हुए तो हम निकल रहे स्पीड, अच्छा एक दो तीन चार पांच, ज्यादा आसानी से और ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे हम है ना, मतलब अगर मान के चलो तुम तीन और चार के बीच में कहीं रुके तो मैं एग्जैक्ट पता कर दूंगा, अच्छा तीन और चार में 3.6 पर रुका था, मैं 3.6 सेंटीमीटर पे रुका था, तो एग्जैक्ट पता चल गया कि कितनी वोल्ट था होगी। चलो और भी कुछ सवाल करते हैं, 10 मीटर लंबाई तथा 100 ओम प्रतिरोध के विभव मापी तार के श्रेणी क्रम में 3 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी तथा 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है, विभव मापी तार का विभव प्रवणता क्या होगा, ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, पहला सवाल जो हमारा होना चाहिए। क्या बोला है, हमारे पास एक 10 मीटर लंबा तार है, ठीक है, इस सवाल से हमें जो जो फॉर्मूले सीखे हमने वो सारे चमकेंगे। यहां पर जोड़ी एक बैटरी, बैटरी कितनी है, इसके साथ श्रेणी क्रम में विभव मापी तार के श्रेणी क्रम में तीन वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी तथा 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, यहां पर एक 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा है, ठीक है, ये भी कितना है 10 ओम का है और इसकी लंबाई कितनी है, सॉरी 20 ओम का है ये और इसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर लंबाई है,
ठीक है, चलो कहानी खत्म हुई, बस इतना दिया हुआ, देखो सही बना दिया मैंने, यही बना है, 10 मीटर लंबा तार है, 10 मीटर लंबा तार है, 20 ओम है प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में 3 वोल्ट की बैटरी तथा 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो अब हमें यहां पर विभवांतर पता करना है, फिर यहां पर विभवांतर या यहां पर अगर मेरे को वोल्टता पता करनी है या पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, आसान सी बात है, इसमें धारा पता कर लो। ये तो हमारा कक्षा 10वीं का सवाल बन गया, या चलो 10वीं तो नहीं सर, हम तो कोरोना वाले 10वीं तो पता नहीं आई थी नहीं जिंदगी में, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जो चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा उसका बेसिक सा सवाल है, इसके मध्य में ये तू ऐसे 10 मीटर तार मत देखो ना, उसको देखो एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध है, ठीक है। तो एक 10 ओम हो गया, ये 20 ओम हो गया, और यहां पर 3 वोल्ट हो गया, तो यहां पर धारा कितनी आएगी? तो धारा जितनी आएगी सर ये हो जाएगा 3/3। वैसे तुम्हें यहाँ पर विभवांतर पता करना है, बिना धारा के भी कर सकते हो, मैंने तुम्हें सिखाया, ये R1 है R2 सीधे भी पता कर लो, या धारा से पता करना चाहो तो 3/30 या R तुल्य हो गया, या 1/10 एम्पियर हो गया, या 20 ओम के लिए, 20 ओम के लिए डेल्टा वी, 20 ओम के लिए डेल्टा वी, डेल्टा वी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 × 20, यह होगा बी, ये होगा 2 वोल्ट, कितना आ गया 2 वोल्ट। यहां से यहां तक देखो आसान सी बात है, 3 वोल्ट है, ये 20 ओम में, ये 10 ओम में, इसमें 2 वोल्ट होगा, इसमें 1 ओम होगा, 1 वोल्ट होगा, कहानी खत्म, पैसा आ जा, वी समानुपाती होता आर के, अब हो गया है कहानी का समापन। तो अब इसमें फाय क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट विभवांतर है सर, और कितना ओम है, सॉरी कितना मीटर है, 10 मीटर तार है, तो 0.2 वोल्ट प्रति मीटर हो गया, 0.2 वोल्ट प्रति मीटर आंसर आ जाएगा। ओके, विभवमापी के प्रयोग में यह प्रेक्षित किया गया कि जब सेल के सिरों को विभवांतर के, सॉरी विभवमापी के तार की निश्चित लंबाई से जोड़ा जाता है, देखो ये सब क्या लिखा हुआ है लाइन भर भर के, ये वही लिखा हुआ जो हम ऑलरेडी पता है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है, इतनी सी बात को इतना बड़ा लाइन में लिखना पड़ता है, कि वही सब कुछ समझाना पड़ेगा तुम्हें सवाल में, कि देखो तुम्हें पता है लेकिन और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए इस दुनिया में जो बोले नीट वालों ने सवाल अधूरा दे दिया, गलत सवाल है, तो इसलिए वो पूरा पूरा लिखते हैं जो सब कुछ हमने देखा, जोड़ा जाता है। तो धारा मापी से कोई धारा नहीं गुजरती है, बस ये इतनी इतनी सारी बातें उसने बोली, ठीक है, जो हमने नल डिफ्लेक्शन वाली पढ़ी। बैटरी को 20 ओम प्रतिरोध से लघुपतित करने पर संतुलन लंबाई आधी हो जाती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध पूछा है, आंतरिक प्रतिरोध है ना, तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए क्या पूछा है, सर ये बोला है कि बैटरी को 2 ओम प्रतिरोध के तार से लघुपतित करने पर, मतलब क्या होगा कि बैटरी लगी हुई थी यहाँ पर, ये पूरा माहौल होगा ऊपर, तो ऊपर वाला माहौल तो वैसे ही होगा, ये ऐसी बैटरी लगी हुई है, तार वार लगा हुआ है, बिल्कुल सही। अब यहां पर हमने एक आंतरिक प्रतिरोध लिया, एक सेल लिया है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध है, और बोला कि इसको लघुपतित कर दिया, मतलब इसके अक्रॉस एक कैपिटल आर लगाया, कितना लगाया, 2 ओम लगाया, 2 ओम लगाने से लंबाई आधी हो जाती है। हमको पता है कि जब भी तार लगेगा या जब भी प्रतिरोध लगेगा तो लंबाई कम हो जाएगी, तो लंबाई कम हो जाएगी तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम आसानी से लिख सकते हैं सर यहां पर क्या लिखेंगे रे बाबा, यहां पर L1 L2 के पदों में लिख लेते, तो हमें पता है सर L1 अगर L है तो L2 जो होगा वो L/2 हो जाएगा, आधी होगी उसने बोला है ना, यहां पर फिर से वो नल डिफ्लेक्शन वगैरह प्राप्त करेंगे तो आधी हो जाएंगे। तो अब हमें क्या पता करना था, अब हमें सर स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, तो स्मॉल आर क्या होता है, देखो फॉर्मूला मुझे कैसे याद है, मुझे याद है स्मॉल आर बराबर होगा कैपिटल आर इन टू L1 - L2 अपॉन में L2 है ना, छोटा छोटा L1 L2 के चक्कर में फंस रहे हो या छोटा छोटा कर रहे हो ना, क्या होगा यहाँ पे होगा L1 - कहां गया रे बाबा, हाँ L1 - L2 अपॉन में L2, नहीं ये हाँ ये अपना वाला ही है, हाँ ये अपना वाला ही है, तो अपॉन में L2 मतलब क्या होगा, यहाँ जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आएगी, तो L1 - L2 अपॉन में L2 छोटा छोटा करना है ना, ये बाकी हमने तरीका आपको सिखा ही दिया, तो बस स्मॉल आर बराबर होगा कैपिटल आर इंटू L - L/2 अपॉन में L/2, सर ये तो धोखा हो गया, ये तो कट जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आ गया, मतलब ये 2 ओम हो गया,
अरे करो, नीट 2016 का सवाल। किसी व्योमापी के तार की लंबाई जो है वो 100 सेंटीमीटर है तथा इसके सिरों के बीच नियत विभवांतर बनाए रखा गया है। बहुत बढ़िया। हाँ, अब यहां से सवाल शुरू होता है। दो सेल को श्रेणी क्रम में पहले समान दिशा में और फिर एक दूसरे की विपरीत दिशा में संयोजित किया जाता है, तो इन इनमें जो शून्य विक्षेपण की स्थितियां आती है वो धनात्मक सिरे से 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर आती है। क्या बोला है? आसान शब्दों में ये विभवमापी तार है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर पहले हमारे पास दो सेल है, तो पहले दो सेल को श्रेणी में जोड़ा। ये E1 है, ये E2 है, तो इनको हमने श्रेणी में जोड़ा। तो अब इनको हमने जब श्रेणी में जोड़ा तो श्रेणी में जोड़ने पर 50 सेंटीमीटर हमारे पास शून्य विक्षेपण आया। E1 प्लस E2 जो होगा वो 5 × 50 होगा। अब E1 माइनस E2 क्या होगा? E1 माइनस E2 जो होगा 5 × 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर मैंने एक को पलटा दिया तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में। बस कहानी खत्म होगी, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या किया? एक बार E1 प्लस E2 करा, एक बार E1 माइनस E2 करा। क्यों E1 माइनस E2 करा? क्योंकि विपरीत दिशा में। देखो, पहले इन्हें समान दिशा में फिर विपरीत दिशा में संयोजित किया जाता है। तो E1 प्लस E2 जो होगा सर, वो बटे में E1 माइनस E2 जो होगा 50/10, या E1 प्लस E2 अपॉन में E1 माइनस E2 जो होगा वह 5 है। इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं सोचू तो E1 बटे में E2 जो होगा वो SP स्टार से आ जाएगा 3/2। आज का होमवर्क सभी निकाल के बताएंगे ये आंसर कैसे आया। तुम्हें क्या लगा? हलवा है? हमने कहा मल्टीप्लाई किया क्या? हाँ, हम क्या स्वामी विवेकानंद हो रहे है, या हम रामानुजन है करके ऐसा कर देंगे? नहीं, हम आम आदमी है भाई साहब, हमें इतना कॉमन सेंस है कि दो, देखो ये क्या है क्या है क्या है, अगर इतना नहीं सोचेगा तो कैसे डॉक्टर बनेगा रे बाबा, कंपाउंडर बनेगा फिर। E1 प्लस E2 5 आया है, E1 माइनस E2 1 आया है। ऐसी दो संख्या जिनका योग 5 हो, जिनको घटाने पर 1 आए। ओ हो, 3 और 2, इन दोनों को जोड़ा तो 5 आना चाहिए, इन दोनों को घटाया तो 1 आना चाहिए। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो, इन दोनों को योग करके नहीं आएगा, इन दोनों जो ऑप्शन से भी चेक करते कर सकते हो, लेकिन आंसर तो जाएगा वही आएगा। कहां लगे हो चक्कर में? क्या कह रहा है AIPMT 2015 में कुछ कुछ बोला था, एल लंबाई के एक विभव मापी तार तथा एक प्रतिरोध स्मॉल आर को श्रेणी क्रम से E0 EMF की एक बैटरी तथा प्रतिरोध R1 से जुड़ा गया है। ओ हो, सर सवाल पढ़कर थक गया मैं तो। हाँ, एक बार लिख लो, बना लो फोटो। यहाँ मेरे पास L लंबाई है, कितनी लंबाई है? L लंबाई के एक विभवमापी तार तथा एक प्रतिरोध स्मॉल R को, एक और प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध थोड़ी ना बताया, हाँ इसका प्रतिरोध नहीं बताया, इसमें एक और प्रतिरोध है स्मॉल R को, एक को श्रेणी क्रम में EMF की एक बैटरी तथा R1 प्रतिरोध से जोड़ा गया है। यह R1, यह R, यह E0, इतना बोला है। वो जो एक लाइन लिखी है ना, उसका मतलब ये है। अच्छा, इस विभवमापी की लंबाई L, L पर किसी अज्ञात EMF E के लिए संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, तो इसलिए यहां पर एक संतुलन बिंदु प्राप्त हुआ। कितनी लंबाई पर? L पर। यह कितनी लंबाई है? कैपिटल है, पूरी लंबाई है, ठीक है। हाँ, तो अब हमको बताना है यहां पर कि ये E का मान क्या होगा, ठीक है। चल, तो पहले तो सर यहां पे VAB निकालना पड़ेगा। यही तो कसौटी जिंदगी की है इस सवाल में, बाकी तो कुछ नहीं है सवाल में, है ना। सवाल में E की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी? 5 × L आ जाएगा। अब मेन चक्कर ये है कि तुम्हें यहां पर 5 निकालना है। तो 5 जो होगा बेटा, वो देखो क्या होगा,
ये विभवांतर सर, हाय ये विभवांतर कैसे निकालूं मैं, बटे में लंबाई कैपिटल एल तो आएगा ही आएगा, तो ये विभवांतर कैसे निकाल सकते हैं हम? तो देखो यहां पर होगा, यहां से यहां तक सर नहीं पता चल रहा, तो यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर? अच्छा एक मिनट यार, प्रतिरोध आर को, अच्छा एक सेकंड है ना, इसमें चूक कुछ मिस्टेक हुई हमसे, इसका प्रतिरोध आर बोला है, क्योंकि इसका प्रतिरोध नहीं दिया होगा तो असंभव है निकालना, है ना, तो इसका प्रतिरोध आर है, तो हम लिख सकते हैं यहां से फाइ, पहले धारा लिख देता हूं ऊपर वाले परिपथ में, या विभवांतर निकाल, धारा से निकाल रहे हैं हम, ई नॉट बटे में स्मॉल आर वन प्लस आर। अब यहां पर जो विभवांतर आएगा वह वी ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई, सॉरी यहां पर प्रतिरोध इंटू धारा, तो ई नॉट बटे में आर वन प्लस आर। देखो फिर से देख लो, आराम से देख लो, यहां पर जो धारा आई वो धारा कुछ ना कुछ आ रही है, ये धारा इसमें ऊपर वाले में घूम रही है, तो अगर धारा ऊपर वाले में घूम रही है बेटा, तो यहां पर तुम्हें इसके मध्य विभवांतर पता करना है, तो विभवांतर क्या होगा, पहले धारा निकाली सर इंटू वी ए बी, यहां पर ए बी के मध्य विभवांतर जो होगा वो कितना हो जाएगा, होगा उसमें प्रतिरोध या उसका प्रतिरोध इंटू धारा, तो अब यहां पर आ जाएगा कितना आ जाएगा, वी ए बी बटे में कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। ये प्योर सवाल है जिसको विभव वहां पे आता है, बिल्कुल सब कुछ दे दिया उसने और बोले अब निकाल कर बताओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, निकाल पा रहे हो, यहां कितना होगा, स्मॉल आर ई नॉट अपॉन में आर वन प्लस आर टू इन टू कैपिटल स्मॉल एल बटे में कैपिटल आर, ये आंसर आ गया मेरा। आया जवाब है ना, ये हमारे लिए ई की वैल्यू आ गई, ये मेरा आंसर आएगा, क्लियर है मामला? तो ये हमें एकदम बढ़िया तरीके से चमकना चाहिए बिना कोई समस्या के, ये 2015 का सवाल है, बिल्कुल बढ़िया सर, रोमांचकारी सवाल, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हम, अब एक और जोरदार पी वाई क्यू हमें करना होगा जो लेटेस्ट में 2021। एक विभवमापी परिपथ में डेढ़ दो, तुम समझ रहे हो इसमें हर साल सवाल आ रहे हैं, हर दो दो साल में, एक दो दो साल में सवाल आता है इसमें, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक सेल 36 सेंटीमीटर तार की के लंबाई पर संतुलन बिंदु देती है, यदि 2.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली दूसरी सेल पहली सेल को प्रतिस्थापित करती है तो तार की किस लंबाई पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा? तो क्या है एकदम छुटकू सी बात, मेरे पास यहां पर 1.5 वोल्ट जो है वह, देखो इसमें तो विभव मापी का यूज भी नहीं है ज्यादा, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि यहां पर 36 सेंटीमीटर जो है वह 1.5 वोल्ट को प्रतिस्थापित करता है, मतलब रिप्लेस, मतलब सॉरी वह 1.5 वोल्ट से संतुलित होता है। अब हमें बताना है कि 2.5 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की जो बैटरी है वो कितनी लंबाई पर संतुलित होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे इकाई लंबाई के लिए, अच्छा ऐसा समझो इसको 1.5 वोल्ट जो है 1.5 वोल्ट की, देखो मैं तुम्हें फॉर्मूले से सिखा सकता हूं सब कुछ, लेकिन तक कॉमन सेंस वाली बात है वो भी चमकना चाहिए ना, 1.5 वोल्ट जो है वो 36 सेंटीमीटर पर सेट हो गया मामला। तो अब हम यहां पर देखो फॉर्मूले से कैसे करेंगे सर, फॉर्मूले से ऐसे कर देंगे हम, E बराबर होगा फाइ इंटू एल, तो अब जब हमारे पास 36 वोल्ट है, देखो मैं कर देता हूं, जब 36 वोल्ट है तो फाइ इंटू लंबाई कितनी है, लंबाई है सर हमारे पास, सॉरी हमारे पास जब 1.5 वोल्ट है तो लंबाई कितनी है 36 सेंटीमीटर है, अब दूसरी बारी में वोल्टता कितनी हो गई है सर, वोल्टता हो गई है 2.5, तो लंबाई कितनी आएगी, बस ये पता करना है, ये एल पता करना है, दोनों को डिवाइड कर दो सेल को, कंपेयर कंपेयर ई1 बाय ई2 इक्वल टू एल1 बाय एल2, वही वाली बात है यहां पर कि 2.5 वोल्ट कितने लंबाई पर आएगा, तो यहां पर हम कर देंगे ई1 बाय ई2 मतलब 1.5 बटे में 2.5 बराबर होगा 36 बटे में एल, तो सर ये कटेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो एल की वैल्यू होगी 60 सेंटीमीटर, कहानी खत्म, पैसा आजम आगे बढ़ जाओ, खुश हो जाओ, क्लियर है मामला? तो ये सब कुछ हमसे बनना चाहिए बिना कोई समस्या के। अच्छा एक और सवाल कर लेते, अच्छा ये वाले जो सारे सवाल थे ये हमारे सवाल जो है वो विभव मापी पर आधारित थे, अब हम कुछ दो चार सवाल करेंगे जो हमारे गत वर्षों के उदाहरण है और जो मैक्सिमम बच्चों को डाउट चले जाते हैं वो वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं अभी, है ना, अब तो हमारे पास थोड़ा सा समय बचा 10-15 मिनट, नीट 2019 का दो बार, ये दो सवाल नहीं है एक ही सवाल है,
है ना, ये हमारे टाइपिंग वाले भैया ने थोड़ा सा आज कमाल कर दिया। कमाल तो बहुत बार कर ही देते हैं, देखो एक और कमाल किया उनने। शुक्र मनाओ, वो तो मैं आदमी अच्छा हूं, मुझे चीजें याद बहुत ज्यादा रह जाती है। ठीक है, क्या है सर, झुका है जो कुछ नहीं है, ये सही डायग्राम है ना, वो डायग्राम में बीच में तार आना चाहिए। अब सवाल पढ़ते, सवाल में बोला है कि मेरे को एक फोटो देखा, देखो सबसे पहले होता है फोटो देखो, तो वही फोटो ही गलत देख ले तो मामले गड़बड़ हो जाता। हमारे लिए छह एक समान बल्ब आंतरिक प्रतिरोध सॉरी आंतरिक प्रतिरोध शून्य है और विद्युत वाहक बल ई की बैटरी से लगाए जाते हैं, फोटो देखो। फिर दो कंडीशन बोली भी है, यदि इन बल्बों द्वारा उपयुक्त शक्ति का अनुपात जब सभी बल्ब दीप्तमान हो, वह परिस्थिति जिसमें दो ए ए भाग तथा एक बी भाग से दीप्तमान हो, मतलब क्या हो, पहले ये ऐसी कंडीशन है, पहले ये कंडीशन है। अब यहां पर अगर हमारे पास सभी दीप्तमान, सभी जल रहे, बहुत बढ़िया, सब जल रहे, मजा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सर सब जल रहे हैं तो इस कंडीशन में है ना, पहले मैं ए कंडीशन का तो इसी से आंसर निकाल देता हूँ। ए कंडीशन का आंसर कितना आ जाएगा, सब जल रहे, तो देखो ये तीनों समांतर में हो गए, बीच में तार जुड़ा हुआ ना बेटा, तो अगर मैंने बोला ये इसे कुछ एक्स बोल दिया, तो ये एक्स हो गया है, ये एक्स हो गया है, इसे मैंने वाई बोल दिया, ये वाई होगा, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, इसे मैंने जेड बोल दिया, तो ये जेड हो गया, ये जेड हो गया, ये जेड हो गया, तो ये सारे बिंदु समान हो गए, मतलब ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है उसके हमने श्रेणी में, तो इन तीनों का अगर मुझे तुल्य निकालना है, तो इन तीनों का तुल्य देखो दो बार डायग्राम बनाना, एक बार मैं डायग्राम में सॉल्व कर रहा हूं वो नहीं चलेगा, तुम्हें दो बार बनाना पड़ेगा, तो पी 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 बटा तीन बना देगा, ये भी पी 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 बटा तीन बना देंगे, तो यहाँ पे तुल्य जो होगा पी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, ये दोनों श्रेणी में लगे हुए अब, अरे र घोर अपराध, पाप हो गया, पी तो ये होगा तीन पी, ये भी होगा तीन पी, कैसे सर, श्रेणी समांतर में, समांतर में योग होता है प्रति ये पावर में, अब पी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो तीन पी बटा दो हो गया। अरे सर आप तो याद कर कराते हो, हाँ आज रात भर में, कल रात भर सोया नहीं तेरे बाबा, ये तीन तीन थे, ये पी 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 तो क्या पी, अरे मेरा भाई रसना जूस, ये क्या है, ये पी 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 तीन पी बन गए, ये पी 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 तीन पी बन गए, अब तीन पी और तीन पी श्रेणी में होंगे, मतलब एक बटा पी वन प्लस एक बटा पी टू वाला फॉर्मूला लगाना है तो तीन पी बटा दो आना चाहिए। होमवर्क, अगर ये सब नहीं बनाना बेटे तो जिंदगी में मुश्किलें और बढ़ने लगी, होले होले। देखो अब क्या होगा, अब मुझे बोला है वह परिस्थिति जिसमें भाग दो में से, भाग ए में से दो बल्ब, मतलब ये दोनों जल रहे हैं और एक ये जल रहा, कोई भी एक जला लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब मेरे पास क्या बचा सर, यहां पर मेरे पास ये दो बचे हैं, तो ये दोनों बल्ब जो होंगे ए भाग में से, मेरे पास दो बल्ब है, ये दोनों मिलकर कितना बना देंगे सर, ये दोनों मिलकर पी बटा दो बना देंगे, क्या बना देंगे, पी बटा दो बना देंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर में, उसके साथ श्रेणी में, मतलब ये दोनों हट गए और ये एक और श्रेणी में एक पी आ गया, बस इतनी सी बात है। तो यहां पर तुल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, यहां पर तुल्य जो हो जाएगा वह मैं लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट जो है वो पी इक्विवेलेंट जो है वह लिखूंगा पी वन पी टू अपॉन पी वन प्लस पी टू, तो पी वन कितना है, पी बटा दो इंटू पी अपॉन में तीन पी बटा दो, तो पी दो से दो कट गया, पी से पी कट गया और ये पी बटा तीन आ गया, कितना आ गया, पी बटा तीन आ गया। ओके सर, कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं, चलो कुछ गड़बड़ हुआ है, यहां पर हम पी वन पी टू पी होगा और यहां पर भाग दो में से एक बल्ब दीप्तमान है, ठीक है, तो यहां पर ये दोनों वही, तो आज कुछ हो गया है, मामला हो गया है, समय समाप्त, रात की हो गई ये बारात, देखो यहां पर ये टू पी नहीं, तुम लोग तो बस मजे देखने आ रहे हो, पिक्चर देखने आ रहे हो, आज तो पिक्चर देखेंगे रे बाबा, टू पी होगा ये पी पी समांतर में टू पी होगा, अब चार बच्चे कमेंट करेंगे हाँ सो हम तो बोल ही रहे थे, देखो यहाँ पर तो टू पी इंटू पी अपॉन में टू पी प्लस पी, तो कितना हो गया, ये हो गया थ्री पी टू पी बाय थ्री, अब सही है सब कुछ, ये केस टू है, ये केस टू है,
ये केस वन का आंसर है। अब तुम्हें आंसर निकालना है इन दोनों का अनुपात, क्या निकालना है अनुपात, रेशो। तो हो जाएगा रेशो जो आएगा, अनुपात जो आएगा वो आएगा 3p/2 अपॉन में, 3p/2 अपॉन में 2p/3। तो p ने b को मार दिया, ये तीन पलटिका के ऊपर जाएगा, ऊपर बना देगा 9 और ये नीचे आएगा तो बना देगा 4। तो 9/4 मेरे पास आंसर आएगा। क्लियर है कहानी, आ गया समझ में बढ़िया तरीके से। ये तीनों पहले समांतर में थे तो कितना करा मैंने 3p, ये तीनों समांतर में तो 3p पॉइंट आधा हो गया, ये दोनों समांतर में तो कितना होगा 2p, उसके साथ ये लगा हुआ है तो ये हो गया p, ये दोनों श्रेणी में पॉइंट p1 p2 p1 plus p2 हो गया, आ गया आंसर। ओके ये वाला, हाँ ये वाला सवाल, ये वाला सवाल तो आसान है वैसे, वैसे मुझे जैसे फील आ रही है, मैं करवाया हुआ है, बाकी मैं एक बार करवा देता हूँ। ये इस सवाल में हमें क्या बोला है कि किसी आवेशित कण जिसका तीव्रता, तीव्रता मतलब क्या दी हुई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दिया हुआ है। ई कितना दिया हुआ है, 3×10⁻¹⁰ V/m दिया हुआ है, ठीक है। और अपवहन वेग मतलब वीडी दिया हुआ है, वीडी कितना दिया हुआ है, 7×5 = −4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, गतिशीलता म्यू। तो म्यू जो होता है वो वीडी बटे में ई होता है, बस सर ये आया था क्या। हाँ देखो अब इसमें मतलब क्या क्या चाहोगे अब तुम उससे ना, अगर ऐसा सवाल आ जाए ना एक बार उसके पैर सुने ना, बोलो अरे भाई बस पैर पकड़ लो जाना मत, ऐसे ही भेज पे रहो। अब यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो उसने वैल्यू भी दी हुई, क्या दी हुई, सॉरी मात्रक भी दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकंड, मतलब वोल्ट नीचे आना चाहिए, मतलब ये नीचे जाना चाहिए। तो वीडी बटे में, अगर तुम्हें कंफ्यूजन भी हो जाए कि ई बटे में वीडी बटे में, तो मात्रक देख लेना भैया मेरे, ये आंसर में दिया हुआ है, ये आंसर जो है वो यही देना है, वो बोल रहा है कि यही करो। अब फिर भी ना कर पाए तो कितनी ही अक्कल खराब होगी किसी भी इंसान की। 7.5 × 10⁻¹ अपॉन में −10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये तो प्लस में कुछ आएगा है ना, देखो एक बार ये आ रहेगा, मुझे नहीं पता, ये ऊपर जाएगा तो 6 बचेगा और ये 7.5 / 3 तो 2.5 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात, 2.5 × 10⁶ मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकंड। चलो भाई आखिरी सवाल कर रहे हैं हम, ये सवालों का सवाल है, बड़ा सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है, थोड़ा सा सोच समझ कर आराम से, हो सकता है उसमें समय लग जाए बट आई डोंट केयर, वी वांट द सॉल्यूशन एंड होना चाहिए, बहुत बढ़िया सा सवाल। सवाल में बोला है कि किसी प्रतिरोध R के R से प्रवाहित आवेश समय के साथ इतना है, तो यहां पर कुल ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी प्रतिरोध R में से। तो ऊष्मा का सूत्र होता है H = I²RT, ये हमने पढ़ा, लेकिन अब ये नहीं लगा पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो आवेश है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें टी को हमने कर दिया dt इंटीग्रेशन के रूप में, क्यों, क्योंकि हमारा आवेश समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, मतलब धारा भी समय के साथ परिवर्तित हो रही है, तो इससे हमारा निकल जाएगा आंसर। बस अब इसमें है मजदूरी, अब करनी पड़ेगी, इसकी कोई आजादी वाली बात नहीं है, धारा जो होगी वो dq/dt होगा, समय के साथ आवेश में परिवर्तन की दर जो होगा, आवेश में परिवर्तन, आवेश के प्रवाह दर जो होगी वो धारा होगी, तो ये हम लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होगा a, t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस b t² का डिफरेंशिएशन हो गया 2t। प्लीज इसे हजम कर लो क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुई है, ये धारा आई है, ये धारा को हम लिख सकते हैं a माइनस 2bt। ये सवाल बोर्ड पे करवाने के लिए हिम्मत चाहिए, है ना, दिल पे पत्थर रखना पड़ता है और हर कोई रख भी नहीं पाता, बच्चा अरे छोड़ दो बेटा ये ऐसा आएगा नहीं, गलती से आ गया एक आधी बार, क्या भरोसा अगले साल ही आ जाए, फिर गलती अगले साल भी बोल देंगे टीचर को, अरे गलती से आ गया अब नहीं आएगा पक्का। देखो है ना, हम गद्दारी नहीं करते, यहां पर एच का मान, अब क्या करना है, इसमें आई की वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा I²R dt। अब आएगा मजा, अब इसको रखो तो होगा a − 2bt² r dt का इंटीग्रेशन। अब
खोलो, ये होगा ए स्क्वायर, आर को बाहर रख दो, आर बार बार ना है, ए स्क्वायर प्लस 4b² t² माइनस 4ab t dt। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो जाओ 4b² t² माइनस 4, ये 4 कहां से गया, 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू ये पूरा, कॉपी पे पेन चला लो, अब बहुत ज्यादा समय आ चुका है ना, खतरनाक। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो अब यहां पर ए के आगे कुछ भी नहीं है, तो मैं आगे एक टी लगा दूं इंटीग्रेशन के पास बाद में, सारा जीरो कब होगी, तो ये होगी सर a माइनस 2bt को अगर मैंने जीरो कर दिया तो t की वैल्यू जो है वो a बटे में 2b आ जाएगी, मतलब a बटे में 2b समय पर धारा शून्य होगी, मतलब तब तक ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो यहां पर मुझे इंटीग्रेशन में रखना पड़ेगी लिमिट, कहां से कहां तक, ये लिमिट रखना पड़ेगी जीरो से a बटे में 2b, मतलब जहां जहां t है वहां a बटे में 2b, a बटे में 2b रखो और एक बार जीरो रखो, जीरो रखने पर तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, दो बार करके देखना है इस सवाल को, ए स्क्वायर इंटू टी, टी की जगह क्या लिखना है, टी की जगह लिखना सर ए बटे में 2b, तो ए बटे में 2b माइनस 4 प्लस 4/3 बी स्क्वायर टी क्यूब, टी क्यूब की जगह रखना है ए बटे में 2b का क्यूब माइनस 4 इंटू ए, अच्छा 4 की जगह 2 आ गया था वहां पे, 2ab t, 2ab t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की जगह लिखना है ए बटे में 2b का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा, जीरो रखेंगे जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखा आर इंटू ये हो गया ए क्यूब बटे में 2b मल्टीप्लाई किया प्लस 4/3 इंटू यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब अपॉन में 8b³ माइनस ab² बटे में 4b का स्क्वायर, डिस्टर्ब मत करो मुझे, यहां पर ये कटेगा और एक भी नीचे बचेगा, ये कटेगा एक भी नीचे बचेगा, ये कटेगा दो बचेगा, ये कटेगा दो बचेगा, तो अल्टीमेटली यहां से मालूम है तुम्हें क्या बचा, यहां से बचेगा आर इंटू ए क्यूब बटे में 2b प्लस ए क्यूब बटे में 6b माइनस माइनस ए क्यूब ए इंटू ए क्यूब बटे में 2b, ये आया और ये कट गया, मूर्ख बना दिया तुम्हें, और यहां से जो आंसर आया वो ए क्यूब बटे में 6b आया, ये एच है, इसका कोई एक्सपी स्टार भी नहीं बन पा रहा है, क्यों, क्योंकि अगर तुम ऑप्शन देखो ना तो ऑप्शन में भी बहुत झोले, ए क्यूब बटे में आर, ए क्यूब बटे में ए क्यूब आर बटे में बी, ए क्यूब आर बटे में ए क्यूब आर बटे में बी, सब में है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1, बिना सॉल्व करे यहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, करना तो वैसे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे धारा का मान निकालो, धारा का मान उसको शून्य कर दो और इंटीग्रेशन कर दो बस, स्क्वायर कर दो, ओके टाटा बाय बाय सी यू। हाँ एक और सवाल कर लेंगे हम क्विज से पहले, ये थोड़ा आसान सवाल है, इसमें क्या होगा, एक सेल का विद्युत वाहक बल, 2012 का सवाल है, ईएमएफ ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, इसमें इसे एक परिवर्तीय प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों के मध्य जोड़ा गया है, तो आर का मान बढ़ाने पर विभवांतर वी और विभवांतर वी और स्मॉल आर का आरेख क्या होगा, क्या बोला यहां पर, यहां पर मेरे पास एक सेल है
जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ये कैपिटल, ये ई है, और यहां पर कैपिटल आर प्रतिरोध है। ठीक है, ये कैपिटल आर परिवर्ती है, मैं बदल सकता हूं। तो कैपिटल आर का मान बढ़ाने पर, अब हमें बोला है कि इसके सिरों पर मान बढ़ाने पर विभवांतर वी, विभवांतर वी क्या होगा सर? विभवांतर वी हम यहां पर देख लेते या यहां पर देख लेते, बात बराबर है। तो उसपे क्या परिवर्तन आएगा? तो देखो, सबसे पहले तो हमें इसमें धारा पता होना चाहिए। धारा क्या होगी सर? धारा हो जाएगी यहां पर, धारा क्या हो जाएगी? धारा जो हो जाएगी सर, वो हो जाएगी ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब इसके सिरों पर विभवांतर क्या आएगा? तो सर वी आएगा आई इंटू कैपिटल आर, यह हो जाएगा आई, आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, ये हो गया वी। अब तुझे कैपिटल वी और आर के मध्य ग्राफ बनाना है, कैपिटल वी और आर के मध्य ग्राफ बनाना। तो देखो क्या होगा, अगर कैपिटल आर का मान, कैपिटल आर का मान शून्य हो गया, कैपिटल आर का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। तो कैपिटल आर का मान शून्य होते ही यहां पर विभवांतर तो गया, खत्म, खल्लास, फिनिश, विभवांतर उसके सिरों पर शून्य हो जाएगा। तो सर ग्राफ शून्य से शुरू होना चाहिए, तो तीन ग्राफ, दो ग्राफ है जो शून्य से शुरू हो रहे हैं, तो एक ही ऑप्शन बचेगा तीसरा। लीनियर तो है ही नहीं। अच्छा, और इसके अलावा आप इसको प्रूव भी कर सकते क्या? देखो इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे हम, इसको एग्जैक्टली तो बना थोड़ा सा संभव नहीं हमारे। देखो इसको ऐसा कर सकते हैं, ई अपॉन में अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कैपिटल आर ऊपर भी नीचे भी, तो कहीं एक जगह रख दूं मैं, तो कैपिटल आर को अगर मैं नीचे लिया तो इस जगह स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर बाय कैपिटल आर, या मैं लिख सकता हूं वी बराबर ई अपॉन में वन प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो अगर हमने यहां पर कैपिटल आर को जीरो कर दिया, कैपिटल आर को जीरो कर दिया, तो कैपिटल आर को जीरो करते ही ये ई बटा आर बटा जीरो या इनफाइनाइट हो गया, ये किसी भी चीज को ई बटा इनफाइनाइट करूंगा तो जीरो आ गया, मतलब कैपिटल आर का मान जीरो रखने पर यह वी का मान जीरो आ गया। कैपिटल आर मार्क और कॉमन बहुत बड़ा कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया, बहुत ही बड़ा, तो बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा, एक बटा इनफाइनाइट, तो ये तो सर जीरो हो गया, तो ये वी का मान जो है वो ई के बराबर आ जाएगा, ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। काफी पुराना सवाल है ना, इस प्रकार के सवाल आजकल पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए क्या बनता है यहाँ पे ग्राफ। चलिए, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। जाने से पहले कुछ धमाकेदार सवाल को इसके रूप में, चार सवाल है ना, आराम आराम से करना। आपके सामने पहला सवाल स्क्रीन पर, छोटे छोटे से सवाल है, लॉजिकल सवाल है, बढ़िया से करके बताओ। पहला सवाल आ चुका है स्क्रीन पर, E1 बड़ा है E2 से, बस यही हिंट है। E2 का शून्य विक्षेपण कहां होगा? C से कम पे होगा या ज्यादा पे होगा, बस ये देखना। चलो अगला देख लेते हैं। विभव प्रवणता होती है वोल्ट प्रति मीटर में, ये दिया हुआ है तुम्हें ओम प्रति मीटर में, धारा दी हुई है वोल्ट होता है, धारा इंटू प्रतिरोध, यही आंसर होगा, खत्म का। अगला सवाल देख लेते हैं, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो ऐसा सोचो 40 सेंटीमीटर में 4.8 है, तो 60 सेंटीमीटर में कितना होगा? इतनी सी बात है, या चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, E बराबर फाइव इंटू एल होता है, E का मान दिया हुआ है, L का मान दिया हुआ है, फाइव निकालो फिर फाइव से, फिर वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बाकी ये डायरेक्ट सोच सकते हो, फाइव से फिर 60 सेंटीमीटर कितना आएगा वो निकाल लो।
रिचार्ज करा देंगे जियो का, अगला सवाल देख लेते हैं। आखिरी सवाल, ऊष्मा का अनुपात बताना है दोनों के दोनों पार्श्व क्रम में है। समांतर, समांतर पार्श्व मतलब समांतर हो गया ना। चल जवाब जान लेते, हो गया। चलिए क्या है पहला सवाल, पहला सवाल बोल रहा है कि इवन का मान बड़ा है E2 से, बस यही आंसर लिखा हुआ है, इवन का मान बड़ा है E2 से। तो इवन को जोड़ते हैं तो सी पर आता है, E2 को जोड़ेंगे तो कम पर आएगा सर, तो सी के इस तरफ आएगा, इस तरफ मतलब क्या हो गया उल्टे हाथ की तरफ आ गया, तो सर यह कहां आएगा, यह बाई ओर आ जाएगा, ठीक है। तो यह बाई ओर नल डिफ्लेक्शन थोड़ा सा खसक जाएगा, सी से बाई ओर खसकाना पड़ेगा। अच्छा लेफ्ट साइड, अगला सवाल देख लेते। देखो कॉमन सेंस का सवाल पूछा मैंने आपसे, वोल्ट प्रति मीटर में निकालना है आपको, यहां पर प्रतिरोध दिया हुआ है 0.5 ओम प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर में निकालना, तो V बराबर IR होगा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो मुझे पता है V बराबर IR होता है, मुझे निकालना है वोल्ट प्रति मीटर में, तो इधर भी लंबाई से डिवाइड कर दिया, तो प्रतिरोध प्रति मीटर दिया हुआ है मुझे, तो धारा कितनी है, धारा है 2 × 0.5, यह कितना हो गया, ये हो गया सर 1, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट प्रति मीटर, तो यह आंसर आएगा। और देख लेते हैं, हमें दिया भाई, हमें पता करना है 60 सेंटीमीटर के लिए यहां पर वोल्टता कितनी होगी, तो ये कैसे पता करेंगे, देखो सीधी बात है, सीधी बात क्या, 40 सेंटीमीटर के लिए सर हमें मिला है 4.8 वोल्ट, तो 60 सेंटीमीटर के लिए हमने बोल दिया कुछ एक्स वोल्ट, या ऐसा नहीं अच्छा लगता तो ऐसा कर सकते हो, इवन बाय इवन, देखो जैसे वहां पर प्रतिरोध नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूं ना ई बराबर तो 5 × L या E समानुपाती L के, तो इतने के लिए 40 सेंटीमीटर के लिए 48 आया, तो 60 सेंटीमीटर के लिए इतना आएगा, तो 40/60 बराबर का 4.8/X बोल दिया या V बोल देता हूं। तो यहां से सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, कितना आ रहा है ये 1.2 आ जाएगा, तो 6 × 12 मतलब 6 × 5 = 6 = 48 कितना हो जाएगा 72, 7.2 आना चाहिए ना, तो 7.2 वोल्ट आ गया, 7.2 वोल्ट, 4.8 से तो ज्यादा ही आएगा है ना, तो 7.2 वोल्ट आ जाएगा। ओके हाँ, ये बोला हुआ समांतर क्रम में हमारे पास दो प्रतिरोध जुड़े गए हैं, तो किसी नियत समय में 100 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का 200 ओम वाले उत्पन्न ऊष्मा से अनुपात निकालिए। तो समांतर क्रम में क्या होता है, पी जो होता है व्यतिक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के, क्यों, पी बराबर V² / R होता है, तो पी व्यतिक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के, तो P1/P2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा R2/R1, तो ये P1/P2 जो होगा वो R2, R2 कितना है 20 है, 200 है, और R1 कितना है 100 है, तो 2:1। चलो भाई, तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, ये विभव अभी वगैरह हमने पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सी क्लास थी आज की, होमवर्क रैप नहीं मिलेगा, अगली क्लास मिलेंगे हम एक नए इंटरेस्टिंग से चैप्टर के साथ, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज करेंगे, मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, थैंक यू, बाय बाय।